11 सितंबर का न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों है या उसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके लिए जो आंसर है वो आंसर उपलब्ध है यूपीएससी के पेपर्स में। जब मैगजीन आती है तो हमें, हम सोचते हैं कि हमें अखबार पढ़ना क्यों है, यही होता है। बट मैगजीन कभी भी न्यूज़पेपर का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। न्यूज़पेपर केवल और केवल खबर के लिए नहीं है, बल्कि हम लोगों की जो सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम है लैंग्वेज की। हम लैंग्वेज को आर्टिकुलेट नहीं कर पाते हैं, उसके लिए भी रीडिंग जरूरी है, आइदर न्यूज़पेपर और आइदर बुक्स। और न्यूज़पेपर पढ़ने से हमारी पढ़ाई हमारी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग ट्यून होगी, इस कारण हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। हम में से काफी लोग हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ नहीं पाते, इसका मतलब ये नहीं कि न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं जानते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना जानते हैं, बट यूपीएससी के अकॉर्डिंग उसको कैसे टेक ऑन करना है वो नहीं जानते। और इनिशियल समय में हमें पढ़ने में भी 3-4 घंटे लग जाते हैं, और कई लोग इसका रिप्लेसमेंट ढूंढने लगते हैं कि हम इंटरनेट पर यूट्यूब पर जाएंगे, कान में लगाएंगे और हमारा अखबार हो जाएगा, बट वो इसका रिप्लेसमेंट नहीं है। ना ही उससे थिंकिंग बनेगी और ना ही वहां से विश्लेषण होगा। इस अखबार को पढ़ने के लिए यह भी पता होना चाहिए यूपीएससी पूछ क्या रहा है, और इस अखबार से ही बहुत से ऐसी छोटी छोटी चीजें मिलेगी जो एक होलिस्टिक टॉपिक जो है उसमें अगर वो एक लाइन डल गई तुम्हारा आंसर औरों से अलग हो जाएगा। और ऐसी खबरें कभी भी मैगजीन में नहीं आती है, ना ही ऑनलाइन पर वो सुनाई जाती है। स्पेसिफिकली आज हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं 11 सितंबर का द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो, लाइव मिंट हो, दैनिक जागरण हो, सबका पढ़ने का तरीका एक ही होगा। अब इसमें मैं अगर खबर बताऊं स्पेसिफिकली तो एक खबर है डाटा पर, और वो खबर बहुत जगह, सबके पास अखबार है ना, पेज नंबर 14 पर देखो, हम 1 by 1 करके आएंगे। पेज नंबर 14, सॉरी पेज नंबर 13 पर सबसे नीचे देखो एक
हेडिंग होगी सेंटर मूव्स टू सेल डाटा फ्रॉम स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट. सेंटर मूव्स टू सेल डाटा फ्रॉम स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट. हमारे लिए दो टास्क है, एक तो हमें न्यूज़पेपर पढ़ना सीखना है, पढ़ने के साथ साथ ये भी सीखना है हमें अपने टाइम कैसे कम करना. पढ़ने के लिए यूपीएससी के अकॉर्डिंग पढ़ने के लिए एक तो सिलेबस पता होना चाहिए और यूपीएससी पूछता कैसे है वो पता होना चाहिए. अब ये खबर सेंटर मूव्स टू सेल डाटा फ्रॉम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अगर हम इनिशियल तौर पर पढ़ रहे हैं तो हमें ये खबर पूरी पढ़नी. इस खबर में लिखा है कि स्मार्ट सिटी जो हमारा प्रोजेक्ट है इसमें अराउंड जो हमारे अभी वर्तमान में 100 सिटी के आसपास हैं, गवर्नमेंट उस स्मार्ट सिटी में डाटा कलेक्ट कर रही है और गवर्नमेंट का मूव है कि उस डाटा से वो मार्केटिंग करके एक एडिशनल रेवेन्यू क्रिएट कर सकती है. अब हमने इसको पढ़ के छोड़ दिया, बट क्वेश्चन यूपीएससी ने 2013 या 14 में पूछा हुआ है कि अर्बन शहरी निकायों या पंचायतों के लिए एडिशनल वित्त का स्रोत क्या हो सकता है. अब अगर वहां यह खबर तुम्हें पता लगती है कि इस बिग डाटा के जमाने में, इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 के जमाने में नया ऑयल है डाटा, और जिस तरह स्मार्ट सिटी है तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारा डाटा उपलब्ध है, और गवर्नमेंट उस डाटा से कैसे उसकी क्रंचिंग करके, उसका डाटा माइनिंग करके और प्राइवेसी को बचाते हुए लोगों की किस तरह उसकी मार्केटिंग करके एक एडिशनल रेवेन्यू स्रोत पैदा कर सकती है. जैसे यहां मुखर्जी नगर में बहुत सारे लोग होर्डिंग लगाते हैं या करोलबाग में लोग होर्डिंग लगाते हैं, बट छात्रों को एक पर्टिकुलर टाइम है जब वो गुजरते हैं. अगर डाटा गवर्नेंस से पता लग जाए, जैसे मेट्रो की राइडरशिप है उससे पता लग जाए किस समय कौन सी एज प्रोफाइल का व्यक्ति मुखर्जी नगर, जीटीबी नगर या राजेंद्र नगर, करोलबाग मेट्रो स्टेशन से निकलता है, उस पर्टिकुलर टाइम में अगर वो होर्डिंग के लिए स्लॉट लगाए उसमें चार्ज क्या करे ज्यादा, और विलिंग व्यक्ति भी इंस्टीट्यूट ऑफ पूरे दिन के लगाने के उसी एक घंटे के लिए क्या लगाएगा, अपनी होर्डिंग लगाएगा. ये कब होगा, जब डाटा होगा. तो यह खबर वैसे काम की नहीं है, बट काम इन सेंस हो जाएगा कि डाटा जो है अर्बन शहरी निकायों के लिए, अर्बन म्युनिसिपलिटी बॉडी के लिए क्या हो सकता है, नया वित्त का स्रोत हो सकता है. और यह खबर काम की नहीं है, फिर केवल यह हेडलाइन तुम्हारे नोट्स में जाएगी. और फिर अगर इनिशियल लेवल पर हो और स्मार्ट सिटी कंसेप्ट नहीं पता है तो वह स्मार्ट सिटी कंसेप्ट जानना है. स्मार्ट सिटी कोई डिजिटल सिटी नहीं है, स्मार्ट सिटी एक कंसेप्ट है जहां तुम निरंतर सिटीजन की आकांक्षाओं को पूरा करते हो. इट्स अ प्रोसेस नॉट अ डेस्टिनी. स्मार्ट सिटी कोई डेस्टिनी नहीं है, स्मार्ट सिटी मतलब डिजिटाइजेशन नहीं है, डिजिटाइजेशन तो एक माध्यम है स्मार्ट सिटी को अचीव करने का, इट्स अ प्रोसेस. बिकॉज सिटीजन की आकांक्षा निरंतर क्या होगी, बढ़ेगी. उस आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर जो प्रयासरत शहरी निकाय और उस तरह वो जो प्रयोजना चलाए वही क्या है, स्मार्ट सिटी है. इस पर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है. तो यहां 8 में तुम्हें दो चीजें सीखनी न्यूज़पेपर में, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और नहीं पढ़ना है वो 90% होता है, जो पढ़ना है वो 10% ही है. और क्योंकि तुम्हें अखबार पढ़ना है इसलिए कई चीजें जो नहीं है हमारे काम की भी वो भी हम पढ़ने लगते हैं. अब इनिशियल मैं पेज नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं कि क्या है, और इसमें हमें याद ये रखना है कि हमें यूपीएससी का एग्जाम देना है और उसी अकॉर्डिंग हमारा न्यूज़पेपर की जो है रीडिंग होगी कि न्यूज़पेपर हमें कैसे पढ़ना है. अदरवाइज हम सब कुछ पढ़ने जाते हैं. इनिशियल लेवल पर जब हमने न्यूज़पेपर पढ़ना चालू किया है तो हमारे लिए सब कुछ
पढ़ना इम्पोर्टेंट है, बट धीरे धीरे जब हमारा बैकग्राउंड क्लियर होता जाएगा तो कई खबरों की केवल हम हेडलाइन पढ़ते हुए स्किप कर सकते हैं। और इसमें एनालिसिस इम्पोर्टेंट है कि कौन सी चीज़ तुम्हें पिक करनी है और तुम्हारे नोट्स में जाएगी, ये यूपीएससी किस तरह पूछेगा, वो एनालिटिकल पर्सपेक्टिव जो है वह है इम्पोर्टेंट। जैसे यहां पर जो पहली खबर है पेज नंबर 1 पर लेफ्ट साइड में, आर्चबिशप ऑफ कैंटरबरी विजिट्स जलियांवाला बाग। अब उसकी विजिट आपके लिए कोई मायने नहीं है, उन्होंने ब्रिटिशर्स के बिहाफ पर जलियांवाला बाग के लिए माफी मांगी। अब यह इंपोर्टेंट नहीं है, इंपोर्टेंट तुम्हारे लिए यूपीएससी के लिए है कि जब जलियांवाला बाग यहां आया है तुम्हें तुरंत जलियांवाला बाग का पूरा पूरा रिकॉल होना चाहिए कि वो जलियांवाला बाग ट्रेजेडी क्या थी, वो हिस्ट्री तुम्हारे माइंड मैप पर होनी चाहिए, अदरवाइज ये खबर काम की नहीं। काम का है तुम्हारे लिए जलियांवाला बाग। नेक्स्ट है कश्मीर इशू पर पोल्स फॉर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इन जेएंडके मंथ एंड, जम्मू कश्मीर में जो हुआ है हमें बैकएंड हिस्ट्री पता है, अब डेमोक्रेसी को वहां उसर करने के लिए ब्लॉक लेवल पर पंचायत के इलेक्शन होने, तो ये इलेक्शन होने इसके लिए क्या मेजर्स लिए जाएंगे वो है, इसमें वो कॉम्प्लिकेशन लिखा होगा, बट तुम्हारी अगर कॉमन अंडरस्टैंडिंग है तुम्हें वो कॉम्प्लिकेशन पता होंगे कि क्या हो रहा होगा। तुम्हें पढ़ना है पंचायती राज व्यवस्था क्या है, मतलब तुम्हें पंचायती राज का पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री तुम्हारे दिमाग में गुजरनी चाहिए कि कैसे नियुक्त होते हैं, पंचायती राज व्यवस्था का बैकग्राउंड क्या है, पंचायती राज व्यवस्था हर स्टेट्स में कैसे अपनाई गई है, तो मतलब क्या है ये तुम्हारा क्या है बेसिक है। और इसी सेंस में तुम्हारे पास जो है पीटी का क्वेश्चन तुम्हारी आंखों के सामने होना चाहिए। ये खबर वैसे काम की नहीं, बट हां अगर क्वेश्चन जेएंडके में डेमोक्रेसी या जेएंडके में विश्वास मत पर होता है कि उनका हम विश्वास मत कैसे हासिल करें, तो ये केवल हेडलाइन, इस तरह के निरंतर चुनाव जहां डेमोक्रेसी को आप उसर कर रहे हैं, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, वह क्या होगा एज ए हेडलाइन तुम्हारे लिए, क्या होगा एज ए एग्जाम्पल, क्या आएगा काम आएगा, अदरवाइज खबर काम की नहीं। नेक्स्ट अगर देखो इमरान पार्टी लीडर्स सीक्स असलम इन इंडिया, अब ये पाकिस्तान का इंटरनल और असलम पर है, तो तुम्हें इसमें नहीं लिखा हुआ है और ना ही तुम्हें इनिशियल लेवल पता लगेगा, तुम्हें किसी का असिस्टेंट चाहिए होगा कि क्या है जो हम द हिंदू क्लास में करते हैं, तो इसमें तुम्हें इंडिया की असाइलम पॉलिसी शरणार्थी नीति पता होनी चाहिए, हमारी शरणार्थी नीति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शरणार्थी के लिए क्या प्रोटोकॉल्स हैं, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ नहीं है, ये हमारा क्या होगा बैकग्राउंड रिसर्च होगा। बट इनिशियली अगर तुमने पढ़ना ही चालू किया है तो तुम हर चीज का रिसर्च नहीं कर सकते, क्योंकि अदरवाइज तो यही एक पेपर तुम्हारे 10 घंटे ले लेगा, तो कुछ चीजें तुम आगे के लिए क्या कर सकते हो लीव कर सकते हो, क्योंकि नॉलेज तुम्हारा धीरे धीरे क्या होगा पाइलअप होगा, वो जब नॉलेज धीरे धीरे पाइलअप होगा वही तुम्हें क्या होगा क्लैरिटी करवाएगा, समझ में आया। अब नेक्स्ट है इधर इंडिया काउंटर्स पाक स्टेटमेंट ऑन जेएंडके एट ह्यूमन यूनाइटेड नेशन राइट्स मीट। खबर में यहां लिखा है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की मीटिंग हो रही है जहां पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन का मामला उठाया है तथाकथित भारत के द्वारा, जिसका भारत के डिप्लोमेट ने विरोध किया। ये घटना है, ये घटना काम की नहीं, इस घटना में काम का है तुम्हें यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में जानना है, व्हाट इज ह्यूमन राइट्स काउंसिल, तो वो है तुम्हारा बैकग्राउंड रिसर्च। ये खबर काम की नहीं है, खबर में तो पता लग गया, हेडलाइन से पता लग रहा है कि क्या लिखा होगा, पर जब अंदर जाओगे तो एक वर्ड आएगा यूएन राइट्स काउंसिल, देखो एक वर्ड होगा वहां पर, यही जागरण में भी खबर होगी, जागरण में भी खबर होगी, ये वहां संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद लिखा होगा वर्ड,
कश्मीर हेडिंग है कि नहीं है? अखबारों में 90% खबरें सेम होती है, परंतु हमें मार्केट ने बेवकूफ बना रखा है कि हिंदी अखबार में कुछ नहीं आता है। देखो पहली हेडलाइन होगी कश्मीर की, है ना पहली खबर, वहीं संयुक्त राष्ट्र मानव परिषद का भी नाम होगा, नाम है ना, संयुक्त राष्ट्र मानव परिषद का भी नाम होगा। तो यहां खबर काम की नहीं है, काम का क्या है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन यूपीएससी का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जरूर होता है, कम से कम एक, कम से कम एक। जैसे इस साल 2019 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर, पूछा था। क्यों पूछा था? प्रधानमंत्री जब G20 समिट में गए थे तो इस संस्था का नाम लिया था उन्होंने, तो यूपीएससी ने इससे रिलेटेड तीनों स्टेटमेंट पूछे थे। और अगर पिछले साल द कोर के नोट्स में देखोगे तो उसमें वो नोट्स में है, उसमें वो नोट्स में है। तो यहां पर जो भी प्रोमिनेंट है, जो न्यूज में चल रहा है, वो तुम्हें जानना होगा। यह नहीं कि हमें पढ़ा दिया जाएगा, ऐसी खबरें कभी भी पढ़ाई नहीं जा सकती। और अभी भी हम तैयारी करने के लिए फाउंडेशन पर हैं, पर फाउंडेशन भी हमारा बहुत वीक है, जबकि यूपीएससी उससे बहुत आगे बढ़ चुका है। तो यहां तुम्हें जानना है यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की स्थापना 2006 में हुई है, 47 सदस्यीय समिति है जिसको संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा चुना जाता है। इसके अलावा तुम्हें एक और पता होना चाहिए, इसके अलावा एक ह्यूमन राइट्स पर हाई कमिश्नर भी है, वो अलग है। जब किसी संस्था को पढ़ रहे हो, यूपीएससी तुम्हारे फैक्ट्स पर नहीं खेलता, तुम्हारे साइकोलॉजी से खेलता है। अगर ह्यूमन राइट्स काउंसिल पढ़ लिया तुमने, तो ह्यूमन राइट काउंसिल के अलावा भी कोई संस्था है जो ह्यूमन राइट्स पर काम करती है, तुम्हें वो भी जानना है। क्योंकि यूपीएससी जब स्टेटमेंट देगा तो ह्यूमन राइट काउंसिल के साथ साथ वो तुम्हें ऑफिस जो है हाई कमिश्नर का ह्यूमन राइट्स पर, उसका स्टेटमेंट यहां दे सकता है। अगर तुमने यूपीएससी क्वेश्चन देखा हो तो जब उसने जैसे 2017 में इंडियन ओशन डायपोल पूछा था, अब इंडियन ओशन डायपोल में उसने वर्ड घुसा दिया कहां का, प्रशांत महासागर का। ऐसे जब 2011 में जब उसने एलिनो का क्वेश्चन पूछा था, तो एलिनो का स्टेटमेंट है, परंतु उसने जो स्टेटमेंट आगे दिया वो ला नीना के लिए सही था, जबकि हम जल्दबाजी में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, उसको सही कर देंगे। समझ में आया यूपीएससी के पूछने का तरीका? तो यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल तो जानना ही जानना है, उससे रिलेटेड बैकग्राउंड रिसर्च भी करना होगा। ऐसी खबरें क्या मैगजीन में आती है? नहीं आएगी, क्योंकि वहां क्या है प्रोमिनेंट, जैसे अभी यहां है कि दो अदरक की नई प्रजातियां मिली है, ऐसी खबर आएगी मैगजीन में, क्योंकि वो क्या है, नया है। बट ये हम क्या जानते हैं, ये तो पुराना सबको आता होगा, पर वो हमें वो भी नहीं आता है। यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में पूछेगा और उस ऑफिस के बारे में पूछेगा, और क्वेश्चन देगा यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल, और स्टेटमेंट उसमें डालेगा दूसरे का। समझ में आया? यह है यूपीएससी का पैटर्न। इसलिए अखबार पढ़ने के लिए सिलेबस पता होना चाहिए और यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का तरीका पता होना चाहिए। जब हम यूट्यूब पर न्यूज पेपर सुनते हैं तो हम न्यूज पर खबर सुनते हैं कि यह हो गया मेरे काम का नहीं है, मेरे लिए काम का है ये। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसलिए अखबार तो हम पढ़ते हैं, पर हम अखबार यूपीएससी के अकॉर्डिंग पढ़ना नहीं जानते, क्योंकि हमने विकल्प ढूंढ लिया है कि हमें कान में लगाना और सुनना है, यही हमारा विकल्प है ना, उससे एनालिसिस नहीं है। नेक्स्ट देखो, अब यहां से तुम एक लाइन भी ले सकते हो, अखबार से तुम्हें खबर नहीं कुछ अच्छे वर्ड्स भी लेने हैं। जैसे यहां पर एक अच्छा वर्ड है, टेररिज्म इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ अब्यूज, टेररिज्म इज वर्स्ट फॉर्म ऑफ अब्यूज। ऐसे ही हिंदी अखबारों में भी ऐसी लाइनें आती है, वो लाइंस तुम्हें पिकअप करनी होती है, और ऐसी लाइनें तुम्हारे लिखने की शैली को औरों से अलग बनाती है, और यह पढ़ने से तुम्हें कुछ आइडिया भी होगा, तुम्हारी लैंग्वेज भी सुधरेगी। अभी
सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग इसलिए प्रॉब्लम है कि हमें बोल दिया गया रटना है, यहीं से आंसर लिखना है, पर यूपीएससी ऐसा नहीं है। जो दिया गया है उसको फिर अपनी सोच से लिखना है, तो वो जो अपनी सोच से लिखना है वह थिंकिंग तुम्हारा ये न्यूज पेपर बनाता है। टेररिज्म इज वर्स्ट फॉर्म ऑफ अब्यूज। इसी तरह तुम्हें और शब्द भी तुम बना सकते हो, ठीक है। ये खबर काम की नहीं है, हाँ, बट इनिशियल लेवल पर जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है, जीरो से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहा है, उसको एक बार पढ़ना है, क्योंकि एक बार पढ़ने से यह पता लगेगा कि यह तो काम का ही नहीं है, ये काम का ही नहीं है, तो अगली बार वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, नहीं पढ़ेगा। बट अगर तुम्हें कोई स्पून फीडिंग करेगा, कभी यूपीएससी नहीं निकलेगा। जो स्पून फीडिंग हमारी हो रही है उसे यूपीएससी कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि तब हमारा दिमाग विकसित नहीं होगा, और जिस एजुकेशन लेवल से हम आए हैं वो तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। बट उसमें क्या हो सकता है, सुधार हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, इधर है SBI टू रिजेक्ट रेपो लिंक्ड होम लोन, ये तुम्हारे जागरण में भी होगा। SBI जो होम लोन जो दे रही है, जो रेपो रेट से लिंक है, उसमें क्या करी परिवर्तन, बिजनेस वाले पेज पे होगा। नहीं है, पर आज नहीं है तो कल आ जाएगा, आज नहीं है तो कल आ जाएगा। अब इसने इसमें लिखा है कि SBI जो होम लोन रेपो रेट जो RBI चेंज करता था उससे लिंक्ड किया था, उसको अभी उसने हटा दिया है और नए सिरे से वो अक्टूबर में लॉन्च करेगा। तो इस खबर से, इस खबर में एक वर्ड लिखा हुआ है MCLR, एक वर्ड लिखा हुआ है मॉनेटरी ट्रांसमिशन, ये दो वर्ड लिखे हैं, मौद्रिक हस्तांतरण हिंदी में, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, ये दो वर्ड लिखे हैं। तो यह खबर काम की नहीं है, काम का क्या है, ये दो। और यूपीएससी का अगर पूछने का पैटर्न पता है तो यूपीएससी कभी भी वन लाइनर इस तरह पूछता है कि यह क्या है। अगर हम देखें तो यूपीएससी ने 2016 में MCLR पर क्वेश्चन पूछा है कि MCLR क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो MCLR अगर वर्ड है तो MCLR नहीं जानना है, क्या जानना है, MCLR का पूरा बैकग्राउंड जानना है, बेस रेट, बैंक रेट, MCLR। और MCLR में भी आज जब पढ़ रहे हो तो एक हफ्ते पहले की खबर पता होनी चाहिए कि MCLR पहले इंटरनली डिसाइड होता था, जो RBI ने कहा है कि उसे एक्सटर्नली क्या करना है, डिटरमाइंड करना है, और एक्सटर्नल डिटरमिनेशन में सबसे पहले कदम SBI ने उठाया था। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि इंटरनल का मतलब क्या है और एक्सटर्नल का मतलब क्या है, और MCLR लाया क्यों गया, जब वो बेसिक फाउंडेशन है तब ये क्या होगा, पता होगा। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट 2016 में आया था, तो 2016 में यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। और ये MCLR इसलिए लाया गया था कि RBI जो अपने रेट में चेंजेस परिवर्तन करती है वो बैंक आगे ट्रांसमिट करे किसको, कंज्यूमर को, और उसमें RBI ने कहा था कि बैंक स्वयं इंटरनल तरीके से वो क्या करेंगे, अपने मार्जिनल कॉस्ट के आधार पर वो रेट क्या करेंगे, तय करेंगे MCLR की। बट बैंक उसमें क्या कर रहे हैं, देरी, कंज्यूमर को क्या नहीं हो रहा, वो पास ऑन नहीं हो रहा है। तो इसलिए RBI ने कहा जब भी ये चेंज होगा MCLR, तो कुछ एक्सटर्नल बेंचमार्क है, इंडेक्सेस हैं, वो अपने में परिवर्तन करते हैं, इस इंडेक्स को लेते हुए, इस इंडेक्स में जैसे उतार चढ़ाव होता है उस इंडेक्स को लेते हुए बैंक अपनी रेट में क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। जैसे RBI ने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को जो ही चेंज किया, इंडेक्स
तुरंत रिफ्लेक्ट करेंगे, तुरंत रिफ्लेक्ट करेंगे तो इस इंडेक्स के आधार पर एमसीएलआर क्या हो जाए, तय हो जाए। तो ऑटोमेटिक वो पास ऑन किसको होगा, कंज्यूमर। तो यहां पर वो खबर काम की नहीं है, बस खबर से दो वर्ड काम के, मॉनेटरी ट्रांसमिशन। तो यूपीएससी की एक सबसे टफ जो क्वेश्चन होता है, हाल ही की खबरों में रहने वाला ये क्या है, हाल ही की खबरों में रहने वाला ये क्या है। जैसे बैंक के कंटेक्स्ट में देखो, तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, द टर्म मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एंड नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज समटाइम्स अपीयरिंग इन न्यूज आर यूज्ड इन रिलेशन टू, और ऐसी खबरें न्यूज़पेपर से निकलती है। और कई बार ठीक है, मान लो तुम्हें वो खबर पता भी नहीं है कि ये वर्ड क्या पूछा है, बट उसके बिहाफ का सिमिलर वर्ड अगर तुमने किसी और सेक्टर से उसके बारे में पढ़ा है, तुम इन्फ्रेंस निकाल सकते हो कि ये वर्ड वहां से होगा। जैसे यहां पर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी नहीं पता है, पर तुमने एमसीएलआर सुना है, तो कहीं कहीं तुम गैस लगा सकते हो ये वर्ड कहीं ना कहीं बैंकिंग ऑपरेशन से होगा। तो यहां पर अखबार पढ़ने से तुम्हारी, और वह अखबार खुद पढ़ने से नहीं होगा, इनिशियली तुम्हें किसी की मेंटरशिप में पढ़ना होगा, क्योंकि खुद इतना नॉलेज नहीं होता है, खुद वो हम इन्फरेंस नहीं निकाल पाते हैं। और मैक्सिमम यूपीएससी में क्वेश्चन तुम कितना भी कोशिश कर लो, इस क्वेश्चन से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे, 30 भी तब जब तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी है, जहां तुम्हें 1-to-1 क्वेश्चन का आंसर आता है, उसके बाद जो फाइट है वो इसी इन्फरेंस की है। तुम्हें एलिमिनेट करना होगा, तुम्हें किसी चीज को सोचना होगा और उससे आंसर क्या करना होगा, निकालना होगा। और यह है जो एक्टिविटी है वो यहीं से बनती है, अखबार से, और इसी से तुम्हारा लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम है वो भी यहीं से दूर होगी। क्योंकि आंसर राइटिंग में कई बार हमने देखा है कि आता सब कुछ है बट उसकी लैंग्वेज पर कमांड नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज लिखना नहीं आता है, और कई बार जो बात नहीं लिखनी चाहिए वो लिख देता है, जबकि उसका वो मीनिंग भी नहीं था, वो लिखना भी नहीं चाहता है फिर भी लिख देता है। वह गलतियां भी यहीं से सुधरेगी, स्लोली 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 सुधरेगी। ठीक है, नेक्स्ट, यहां है, इंडिया शुड नॉट हैव ज्वाइंड यूएस बेन सेज ईरान। ये जागरण में भी होगा, इंटरव्यू है कि भारत को ईरान पर जो यूएस ने प्रतिबंध लगाया है उसमें शामिल नहीं होना चाहिए था। तो यह स्टेटमेंट जो आया है वह ईरानियन एम्बेसडर का जो भारत में है उनके द्वारा आया है, नहीं है तो ठीक है कोई नहीं। अब इसमें उन्होंने साफ साफ लिखा होगा कि यूएसए ने जो ईरान पर सैंक्शन लगाए हैं और जिसमें भारत भी शामिल हो रहा है, जिसमें भारत भी शामिल हो रहा है, यह इंडिया और ईरान के संबंधों में क्या करेगा, निम्नता लाएगा। अब यह खबर केवल तुम्हें मेंस में यूज होगी, इंडिया ईरान रिलेशन में। इसी खबर में एक और चीज नीचे लिखी है कि भारत अफगानिस्तान और चबहार की बॉर्डर से रेलवे लाइन बना रहा था और भारत उसके लिए पैसा नहीं दे पा रहा, जिसको ईरान अपनी मदद से क्या करेगा, पूर्ण करेगा। तो यहां पर जो दो वर्ड लिखे हैं, चबहार, एक चबहार और दूसरी है सिटी जेहादेन, ZEHADEN, जेहादेन लिखा होगा लास्ट में, सबसे लास्ट पैराग्राफ में लिखा होगा। ये सिटी कभी भी यूपीएससी, तुम्हें पता है ज्योग्राफी मैपिंग पूछता है और जो बार बार आता है वो यहां से पूछ सकते हैं। तो मेंस में तो खाली एक लाइन काम की रहेगी, ईरान से जिस तरह हम
यूएसए के साथ लेकर संबंध विच्छेद कर रहे हैं, वो हमारे संबंधों क्या करेगा, निम्नता ला देगा। ये ईरान ने फुली क्या किया है, एक्सेप्ट। अब यहां से फिर ट्रायंगल बन सकता है, ईरान मध्य एशिया और इंडिया का, ईरान यूएसए और इंडिया का, वो तुम्हारा क्या है मेंस, जो हमने द हिंदू क्लासेस में किया है, ये क्या है मेंस का टॉपिक है। उस टॉपिक में ये खाली क्या काम आएगी, हेडलाइन। अगर तुमने बैकग्राउंड पूरा किया है तो यहां से पता लग जाएगा, बट इस खबर से तुम्हें पीटी के लिए ये क्या एक सिटी मिलेगी। जैसे यूपीएससी पूछता है सिटी, जैसे एक बार उसने अलेप्पो पूछा था 18 में, न्यूज में था, कभी जाहिरीन पूछ देगा तो कहेंगे, लोग कहेंगे कुछ भी पूछ रहा है यूपीएससी, कुछ नहीं पूछ रहा है। अगर पेपर का एनालिसिस पता है तो यूपीएससी का क्लियर कट आइडिया है वो पूछ कहां से रहा है, बट हम ध्यान नहीं देते हैं तो पूछ कहां से रहा है। समझ में आया? तो यहां पर तुम्हें दो चीजें सीखनी है, 10% क्या पढ़ना है, पढ़ने के साथ ही उससे क्या करना है, निकालना क्या है। जैसे शुरू में पढ़ना पूरा है, लाइन कितनी निकलेगी, बस दो ही, एक तो जाहिदैन निकलेगा क्योंकि चबाहर पता है, और दूसरा ये अगर इंडिया ईरान रिलेशन का तुम्हारा नोट्स है तो खाली एक लाइन निकलेगी कि इंडिया यूएसए के कारण ईरान से जो ऑयल इंपोर्ट बंद करना ऑयल इंपोर्ट का बंद कर रहा है, उससे संबंध क्या होंगे, डाउन होंगे। बस फिर तुम्हें यह जानना है कि 90% पढ़ना क्या नहीं है। जैसे हमने अभी जेएनके का देखा, खबर पूरा दिया हुआ है पर हमारे लिए कुछ काम का ही नहीं है, और यही 10:90 तुम्हारी बेसिक बुक्स में भी है। तुम 90% वो पढ़ते हो जो पढ़ना नहीं है, इसके चक्कर में तुम्हें 10% याद नहीं रहता है, क्योंकि पढ़ाया भी 90 ही जाता है, यही नहीं जाता है। जैसे एमसीएलआर यह है, तो एमसीएलआर का बैकग्राउंड, एमसीएलआर क्या है, एक्सटर्नल क्या है, इंटरनल क्या है, बस इतना हो गया, खत्म। इसके लिए 6 पेज नहीं पढ़ने, एमसीएलआर के लिए 6 पेज पढ़ लिए, 6 पेज समझने के लिए पढ़े हैं तो तुम्हारा आधा पेज आएगा किसके लिए, नोट मेकिंग के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, इसी में इमेज दे रखी है, जाहिदैन अफगानिस्तान बॉर्डर पर है, नहीं जाहिदैन सिटी। यूपीएससी का क्वेश्चन का एक पैटर्न होता है मैच द कॉलम पेयर्स का, उसमें भी दो होते हैं, सिटी शहर दे देगा, एक होता है मैचिंग करने का, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, कभी जाहिदैन एज अफगानिस्तान में ये नहीं पूछेगा, पीसीएस नहीं है यूपीएससी कि जाहिदैन पूछ लेगा, इसमें तुम्हें वो पूरा विकल्प देता है कि जाहिदैन नहीं पता है तो अन्य तो तुम्हें पता हो, और ताकि ऑप्शन से तुम क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। यही यूपीएससी के पेपर्स का एनालिसिस है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, सुनने से कुछ नहीं होगा जब तक एनालिसिस नहीं किया, जब तक पेपर का पैटर्न नहीं पता है। अखबार तो पढ़ लोगे क्योंकि वो कोरम पूरा करना है, एक कोरम हमारा पूरा क्या है, बुक्स पढ़ लिया, दूसरा कोरम क्या है, उड़ते ही अखबार पढ़ना है, कोरम अखबार पढ़ना नहीं है, यूपीएससी किस तरह पूछेगा वो पढ़ना है। बैकग्राउंड अगर शुरू के लेवल पे हो तो ईरान के बारे में कुछ नहीं पता होगा, इसलिए मैंने क्या बोला, तुम्हें मेंटरशिप चाहिए, वो पूरा बैकग्राउंड कोई बता दे, और वो तुम्हें वेट करना होगा कि कब तक आएगा, और ये लाइन क्या होगी, यूज होगी। नेक्स्ट अगर देखो, ये ओणम की पिक्चर है, तुम्हें पता होना चाहिए ओणम कब मनाया जाता है, तुम्हारा कल्चर, तुम्हें सीधा याद आना चाहिए ओणम, और कोरम का नाम जो ही केरला आया तो केरला के सांस्कृतिक नाट्य जो है तुम्हें तुम्हारे दिमाग में घूमना चाहिए, मतलब तुम्हारा आर्ट एंड कल्चर तुम्हारे दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए। ठीक है, दिल्ली एनसीआर टेक्स पोल इन इंडिया स्टार्टअप ग्रिड, यही जागरण में भी खबर है बिजनेस वाले पेज पर, स्टार्टअप जो है सबसे ज्यादा एक्टिव है दिल्ली एनसीआर में, बस खत्म, काम की नहीं है खबर, खबर काम की नहीं है, इस खबर में कुछ है ही नहीं, इसका यूज करोगे तो कहां करोगे।
कि मेरे स्टार्टअप इस सेक्टर में है, काम का ही नहीं, यूपीएससी पूछेगा ही नहीं। हाँ, स्टार्टअप आया है तो स्टार्टअप को लेते हुए तुम फिर सोचोगे स्टार्टअप का यूज मैं एग्रीकल्चर में करूंगा, स्टार्टअप का यूज अगर मुझे इकोनॉमी के लिए पूछता है तो वहां करूंगा। इस तरह तुम्हें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अदरवाइज ये खबर क्या है, काम की नहीं है। जागरण में भी देखो पूरा फुल पेज होगा बिजनेस वाले पेज पर, 90% खबरें रिपीटेड होती है, दोनों में सेम होती है। दिया है ना, अब पढ़ के देखो उसमें कुछ काम का है कि नहीं है, कुछ काम का नहीं है। एक बार खुद पढ़ के देखो, जिसके पास हिंदू है वो हिंदू पढ़े, जिसके पास जागरण वो जागरण पढ़े। कुछ है, कुछ है, क्या नहीं पूछेगा क्या, कहाँ यूज करोगे ये बताओ ना, दिल्ली एनसीआर में कहाँ यूज करोगे। हाँ, हो सकता है, ये कह सकते हो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जहाँ है, बस वो तुम्हें याद होना चाहिए। डाटा कुछ काम का नहीं है, डाटा कुछ काम का ही नहीं है। हाँ तो है, तो फिनटेक सेक्टर, सर्विस सेक्टर यहीं ज्यादा, ये तुम्हारा कॉमन सेंस पहले से कहता है। वैसे कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 90% जनता को क्या होगा, पता होगा। बट इनिशियल जब तुमने अखबार पढ़ना चालू किया है तो वो खबर पढ़नी है, क्योंकि खबर पढ़ के ही पता लगेगा ये तो पढ़ना ही नहीं था। और कई बार तुम्हें ऐसा भी करना है कि केवल हेडलाइन से तुम्हें पता लग जाना चाहिए कि अंदर क्या लिखा होगा, वो धीरे धीरे आएगा। जैसे मुझे पता लग गया है कि इसके अंदर क्या लिखा है केवल हेडलाइन पढ़कर, क्योंकि वो एक्सपीरियंस बोल रहा है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस तुम्हारा बोलेगा, तुम्हारा रीडिंग जो है ना, टाइम जो अभी टाइम बहुत ज्यादा ले रहा होगा तो टाइम कम हो जाएगा। दो प्रॉब्लम है न्यूज़पेपर पढ़ने में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइम, और दूसरी प्रॉब्लम उसे निकालना क्या है। टाइम प्रॉब्लम है, वो टाइम ऐसे निकलेगा, जैसे आप खबर पढ़ी, हेडलाइन पढ़ते ही पता लग जाना इसमें पढ़ना ही नहीं है कुछ, तुम्हारी खबर क्या हो गई है, कम हो गई। मेन पेज पर और लिखा होगा सहला रशीद गेट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट इन सेडिशन केस। सहला रशीद का मामला, सेडिशन का मामला क्यों है, तो क्वेश्चन में तुम्हें बस क्लियर इतना होना चाहिए, तुम्हें सेडिशन का टॉपिक प्रिपेयर करना है, और सेडिशन के टॉपिक में सहला रशीद का मामला एज ए एग्जाम्पल होगा। और सहला रशीद का अगर बैकग्राउंड नहीं पता है, पहली बार पढ़ रहे हो तो पढ़ना है। और तुम्हें क्वेश्चन अगर यूपीएससी मेंस में पूछेगा, पीटी में नहीं पूछेगा, मेंस में क्वेश्चन एज ए सेडिशन राजद्रोह पर होगा, सेक्शन 124 ऑफ आईपीसी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, सेडिशन के क्या प्रोज हैं, सेडिशन के क्या कॉन्स हैं। और थोड़ा और पढ़ा है तो 2018 का लॉ कमीशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट सेडिशन पर, मेंस में क्वेश्चन होगा तो पेपर टू में, अदरवाइज खबर काम की नहीं है, इस खबर से कुछ पिक नहीं होगा। नेक्स्ट है पुणे पुलिस सर्च हाउस ऑफ डीयू प्रोफेसर अर्बन नक्सलिज्म, जागरण में भी होगा। नोएडा पर साई बाबा के जो एसोसिएट हैं, जो डीयू के प्रोफेसर हैं, उनके घर को सर्च किया गया है और मयूष एडुलेजी की बुक्स मिली है, और उसमें पुलिस ने बिना वारंट जारी करते हुए भी उनके यहाँ सर्च किया है। तो इस तरह खबर है, तो यूज होगा तो तुम्हारा पुलिस एक्सेस में यूज हो जाएगा। पुलिस रिफॉर्म या पुलिस पर कोई क्वेश्चन आता है तो खाली ये क्या होगा, एज ए एग्जाम्पल यूज होगा। बट इससे बेटर भी तुम्हारे पास क्या है, पुलिस एक्सेस के एग्जाम्पल हैं। बट तुम्हें शुरू में क्या करना है, पढ़ना है। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, अल्टीमेटली क्या इंपॉर्टेंट है,
अल्टीमेटली क्या इंपॉर्टेंट है? यूज, यूज कहां करोगे? और जब सुनते हो तो वो यूज नहीं आता है, वो यूज ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी खबर को तुम कहां यूज करोगे। न्यूज पेपर रीडिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज इट्स यूज। खबर तुम्हें कहीं से भी मिल सकती है। फिर सेकंड पेज, सेकंड पेज में यूनिवर्सिटी नोटिस टू JNUSU इलेक्शन पैनल काम का नहीं है। फिर है स्टूडेंट टू ज्वाइन कैंपेन अगेंस्ट सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में अवेयरनेस जगाना है। अवेयरनेस जगाने के लिए पुलिस ने जो बच्चे हैं उनके द्वारा अवेयरनेस का माध्यम बनाया है, क्योंकि बच्चे घर पर भी टोक सकते हैं, उनमें अवेयरनेस होगी, ऑटोमेटिकली सब में अवेयरनेस होगी। ये खबर काम की नहीं है, बट इससे तुम्हें यह आइडिया चलना चाहिए कि अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन आता है 1, 2, 3 और 4 और तुम्हें कोई सजेशन देने को कहा जाए तो कैसे इस आइडिया को चुरा कर तुम अपना एक नया इनोवेटिव सजेशन बना सकते हो किसी भी इवेंट के लिए। समझ में आया? ये खबर काम की नहीं है, काम का क्या है? इससे उत्पन्न थॉट। यह एक क्लास में नहीं होगा, ये बार बार जब रिपीटिशन होगा तब वो पता लगेगा। किसी भी घटना के विकल्प के तौर पर तुम्हारे सामने ये ऑटोमेटिक आना चाहिए। नेक्स्ट है मोटर व्हीकल अमेंडमेंट लागू होने के बाद जो पहले 10,000 PUC सर्टिफिकेट बनते थे वो आजकल पहुंच गया 1,00,000, है ना? ये लिखा है, ये तो तुम्हें भी पता है, जागरण में भी आया होगा। डेली अब 1,00,000 पोल्यूशन सर्टिफिकेट बन रहे हैं, जबकि पहले कितने बनते थे? 10,000, क्योंकि पहले फाइन था 1,000 रुपए, अभी क्या फाइन? 10,000। अगर मान लो क्वेश्चन आता है, केवल कानून ही किसी चीज के लिए सफिशिएंट नहीं है, और तुम्हें सपोर्ट करना हो कि कानून जरूरी है, इस तरह का डाटा यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पनिशमेंट के डर से ही क्या बना रहे हैं? सर्टिफिकेट बना रहे हैं ना। पर दूसरी तरफ यह क्वेश्चन आए कि लॉ नहीं, एथिकल इंप्रूवमेंट करना है, पेपर 4, तुम्हें यह पता होना चाहिए कई जगह फाइन लग रहा है, गाड़ियां छोड़ के चले जा रहे हैं। और इसी में एक अखबार में एक और खबर आई है, उड़ीसा सरकार ने मोटर व्हीकल अमेंडमेंट चालू नहीं किया, उसके लिए उसने पहले 3 महीने का अवेयरनेस ड्राइव चलाया है, जहां पुलिस ट्रैफिक वाले वायलेशन वाले को पकड़ती है तो उसको चॉकलेट खिलाती है, उसको चाय पर ले जाती है, लिखा है ना में। अब वो खबर तुम सोचोगे तो खबर काम की नहीं है, बट तुम्हारे सिलेबस में है एटीट्यूड, पेपर 4। एटीट्यूड केवल डंडे से चेंज नहीं होता है, इस तरह का व्यवहार परिवर्तन, यह आइडिया चुराओ, बहुत जगह यूज होगा वो आइडिया। दोनों कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल तुम्हें न्यूज़पेपर में मिल गए हैं, एक तो लॉ का एग्जाम्पल, एक एथिक्स का। अवेयरनेस जरूरी है, और अवेयरनेस के लिए पुलिस ने माध्यम क्या अपनाया है? ऐसा तो अवेयरनेस कर ही रही है कि होर्डिंग वगैरह लगवा कर, दूसरा पकड़ा किसी को, कहां ले गए? चाय पर। खुद क्या होगा? शर्मिंदा होगा, होगा ना। और पुलिस की ये दूसरी इमेज भी दर्शाती है, खबर तुम क्या करोगे? उसको छोड़ दोगे, खबर काम की नहीं है। पर तुम्हारा सिलेबस याद रखो, सिलेबस में एटीट्यूड चेंज है कि नहीं है? और ये कभी भी कहीं पढ़ाया नहीं जाएगा, और ना ही कोई अखबार में बोलेगा कि तुम यू इसका उपयोग इस तरह कर सकते हो। इसके लिए मैंने बोला मेंटरशिप चाहिए कि तुम्हें बताए कि ऐसे यूज होगा, और ऐसी खबरें जागरण में बहुत आती है। तुम्हारा जो पहला पेज है जागरण का, उसकी जो लेफ्ट साइड है, ये यहां पर ऐसी खबरें आती है कि नहीं आती है? बट तुम खबर पढ़ के क्या निकल जाते हो? बस आगे खबर काम की ही नहीं है। खबर काम की नहीं है तो पर पीटी के लिए ना मेंस के काम की है, बट मेंस में क्या होगा? यूज। समझ में आ रहा है?
ये होता है अखबार रीडिंग। अखबार रीडिंग ये नहीं कि पेज टू पेज खत्म कर दिया और पीटी की खबरें निकाल ली, क्योंकि मेन तो हम अखबार पढ़ते हैं पीटी की खबरें निकालें, और कई पीटी की खबरें यहां होगी वो तुम्हें दिखेगी भी नहीं, और कई पीटी खबरें तुम्हारे दिमाग में आइडिया जनरेट करेगी, वो आइडिया ही तुम्हें कैच करना। नेक्स्ट, कुछ काम का नहीं है सेकंड पेज पर। थर्ड पेज, कुछ काम का नहीं है। चौथे पेज पर कोई बता सकता है क्या काम का है? जागरण, सॉरी हिंदू, चौथा पेज। गुरुग्राम पुलिस टाइज अप विद गूगल फॉर ट्रैफिक अपडेट्स। ये गुरुग्राम पुलिस की प्रोएक्टिव पॉलिसी को बताता है, कहां कहां यूज होगा, क्या ट्रैफिक जाम के लिए यूज होगा कि नहीं, मतलब ई मोबिलिटी ट्रांसपोर्ट के लिए अर्बन शहर क्या डाटा गवर्नेंस में यूज होगा कि नहीं होगा, होगा क्या पुलिस और प्राइवेट मतलब पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन में यूज होगा कि नहीं होगा, सिटीजन सेंट्रिसिटी नागरिक केंद्रीयता पेपर टू में यूज होगा कि नहीं होगा। खाली हेडलाइन, अंदर पढ़ना भी नहीं है। और फिर संत रविदास के बारे में जानना है, मार्च टू रविदास टेंपल साइट स्टॉप बहुत समय से चल रहा है, तो तुम्हें अपना भक्ति मूवमेंट पता होना चाहिए और संत रविदास पता होना चाहिए। बस ये मार्च वार्च क्यों हो रहा है कुछ नहीं पता होना चाहिए, जानना है क्या है संत रविदास, और जब संत रविदास जान रहे हैं तो भक्ति सूफी सब। मेंस में भी क्वेश्चन हो सकता है संत रविदास का योगदान सामाजिक समरसता के लिए, समझ में आया? और कोई जरूरी नहीं कि यूपीएससी इसी साल मेंस में पूछ ले। नेक्स्ट, अपोजिशन क्राइज फाउल एज पंजाब गवर्नमेंट अपॉइंट 6 एमएलए एज एडवाइजर्स टू सीएम। इसमें एक पॉलिटी का 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिखा होगा। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है? 15% से ज्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते, सीएम एंड सीएम और पीएम के लिए वैसे अलग, तो यहां पर 91st अमेंडमेंट पता होना चाहिए। और पंजाब सीएम ने 6 एडवाइजर कैबिनेट रैंक के नियुक्त किए हैं, तो इनडायरेक्ट तरीके से वो क्या कर रहा है, उसका वायलेशन। अब ये वायलेशन कर रहे हैं तो पेपर 4 में आएगा पावर, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, इस तरह के सेंस में ये खबर यूज हो सकती है। परंतु पीटी के लिए तुम्हें क्या पढ़ना है, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, बाकी अंदर कुछ काम का नहीं है। और यूज करना चाहो तो ये खबर यूज कर सकते हो कि जिस तरह पावर में बैठे लोग किस तरह कानून को दूसरे तरीके से क्या करते हैं, यूज। और इसी में तुम्हें फिर डॉक्ट्रीन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर इसको खारिज भी कर सकता है, जो काम आप प्रत्यक्ष नहीं कर सकते वो काम आप अप्रत्यक्ष तौर पर भी नहीं कर सकते। जब 15% है और आप दूसरे के आड़ में वहां क्या कर रहे हो, कैबिनेट रैंक के जो है व्यक्तियों को अपॉइंट कर रहे हो, जो काम आपने 15% के आधार पर मनाही कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, डॉक्ट्रीन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन के आधार पर क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। तो तुम्हें फिर पीटी में क्या जानना है, डॉक्ट्रीन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन लिखा नहीं होगा। यहां हम अखबार पढ़ना सीख रहे हैं कि अखबार पढ़ते कैसे हैं, इसके अंदर वर्ड क्या है, ये पूरी जो खबर है इसमें एक वर्ड लिखा होगा 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यहां पर सबसे लास्ट पे राम, बस इतना ही पढ़ा तुमने,
खबर क्या है, खाली एक ही काम का। फिर फाइनेंस कमीशन अश्योर्स ऑफ एक्शन ऑन राजस्थान डिमांड, ठीक है, राजस्थान की स्पेशल डिमांड इसलिए वो अश्योर कर रहा होगा, परंतु तुम्हें क्या जानना है, फाइनेंस कमीशन, 15वां फाइनेंस कमीशन अपॉइंट कैसे होता है, मतलब आर्टिकल 280 और आर्टिकल 282। और 15वें फाइनेंस कमीशन का टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो यूपीएससी ने 2018 में मेंस में क्वेश्चन पूछा, अखबार पढ़ना तब आएगा जब तुम्हारी टिप्स पर मेंस के और प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, तब पता लगेगा पढ़ना क्या है, निकालना क्या है और किस तरह खबरों को लेना है। एक दो स्टोरी बिल्डिंग भोपाल एरिया में गिर गई हैवी रेन के कारण, ठीक है, खबर है। इसे देखते ही क्या तुम्हें कोई क्वेश्चन याद आ सकता है मेंस का? यूपीएससी ने 2018 या 17 में केसडी पूछी थी पेपर 4 में, बिल्डिंग कॉलेप्स होने की, मुंबई में जब कॉलेप्स हुई थी, खबर क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि कॉलेप्स किस कारण हो सकता है। वो क्वेश्चन आंखों के सामने क्या होना चाहिए, गुजरना चाहिए। तो तुम्हें एक और पता लगेगा कि बायलॉज जो हैं या बिल्डिंग बायलॉज कैसे चेकिंग नहीं होती है, कैसे ऐसी विंड में क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं। तो वो क्वेश्चन की कैस्टडी तुम्हें स्ट्राइक करनी चाहिए। इसको देखते तुम क्या देखोगे, क्वेश्चन देखोगे कि यूपीएससी ने पूछा क्या है और किस तरह पूछा था। अभी तो तुमने क्या कर दिया होगा, छोड़ दिया होगा, ये काम का नहीं है। काम का क्या है, इससे क्वेश्चन देखना है, पूछा क्या है, आगे इस पेज पर कुछ काम का नहीं है। अब देखो, वो मैंने एक यहां पर पेज नंबर 6 पर बहुधा रिवर होगी प्रीलिम्स के लिए, बहुधा नदी यहां पर इस खबर में, ओडिशा विलेजर्स बिट टू सेव देयर होम्स फ्रॉम सॉइल इरोजन, बहुधा रिवर पहला ही पैराग्राफ में होगी, ओडिशा विलेजर्स बिट टू सेव होम्स फ्रॉम सॉइल इरोजन, रिवर होगी बहुधा उड़ीसा। तो यहां पर होगा सी कोस्ट इरोजन हो रहा होगा, और इरोजन लिखा होगा कि जब नदी में पानी ज्यादा आ जाता है तो सी वेव इरोजन बढ़ जाता है। देखो उस खबर को पूरा पढ़ो, टू सेव देयर विलेज फ्रॉम सीवियर सी इरोजन विलेजेस ऑफ रामायपटना ऑन उड़ीसा गंजम डिस्ट्रिक्ट कोस्ट हैव स्टार्टेड डिगिंग एंड क्लियरिंग द बहुधा रिवर माउथ, ब्लॉकेज ऑफ द रिवर माउथ, फॉर्मेशन ऑफ अ सैंडबार, सैंडबार क्या होता है, तो तुम्हें आइडिया होने चाहिए, सैंडबार, स्पिट, तुम बोलो पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, सी कोस्ट है, तो इस तरह जो मिट्टी जमा दी जाती है क्या होता है, सैंडबार, जब मिट्टी इस तरह होता है तो हुक या आइलैंड है, इस तरह अगर कनेक्ट करते हुए कोई सैंडबार बनता है तो कहलाता है टम्बोलो। और अगर यह सैंडबार बन गया है तो नदी का ब्लॉक माउथ क्या हो जाएगा, ब्लॉक। ज्योग्राफी यहां से पीटी का क्वेश्चन हो सकता है, ओपनिंग ऑफ न्यू रिवर माउथ हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द रीजन बिहाइंड द सडन राइज इन सी इरोजन थ्रेटनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ रामायपटना, ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू वीक्स अराउंड 38 हाउसेस एंड सम कम्युनिटी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द विलेज अंडर द कट्टूरू पंचायत ऑफ चिकिती ब्लॉक हैव बीन गोबल्ड अप बाय सी वेव सेड सरपंच जगबंधु बेहरा, सी इरोजन इंक्रीजेज एट रामायपटना व्हेन द फ्लो ऑफ रिवर इंक्रीजेज इन द बहुधा रिवर ड्यूरिंग रेन एज द इनहेबिटेंट्स फियर देयर विल बी मोर रेन इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे डिसाइडेड टू डिग अप द ब्लॉक्ड रिवर माउथ ऑन देयर ओन बाय हायरिंग एन एक्सकेवेटर सेड मिस्टर बेहरा। जब रेन होती है तो सी कोस्ट पर जब ब्लॉक हो जाता है तो पानी का लेवल राइज हो रहा है, तो सी का क्या हो रहा है, एडवांसमेंट हो रहा है, तो यहां क्या हो रहा है, इरोजन,
ब्लॉकेज हो गया है, इस ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए इस रिवर को क्या कर रहे हैं, वो गहरा, और रिवर माउथ को क्या कर रहे हैं, क्लियर। तो सी कोस्ट इरोजन पर कभी भी इस तरह क्वेश्चन हो सकता है कि अगर रिवर के माउथ पर पानी ज्यादा हो रहा है तो इरोजन कम होगा कि ज्यादा, इस तरह। अदरवाइज काम का नहीं है। पीटी के लिए यहां से क्या काम का है, बहुधा रिवर। और ऐसी रिवर कभी कभी यूपीएससी भूले भटके पूछ लेता है, ठीक है। ये जैसे मैंने कटक वाला, उड़ीसा वाला एग्जांपल बोला था, यहां है कटक ट्रैफिक पुलिस लॉन्च अवेयरनेस ड्राइव, यहां पर सेकंड पैराग्राफ में देखो क्या लिखा है, टेकिंग द हेल्प ऑफ सिने स्टार्स द पुलिसमैन डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लावर्स चॉकलेट एंड थैंक यू कार्ड्स टू टू व्हीलर राइडर्स एंड लाइट मोटर व्हीकल ड्राइवर्स हु वोर हेलमेट्स एंड टाइड देयर सेफ्टी बेल्ट, जिन्होंने कैप किया है उनको क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, ठीक है। अवेयरनेस, डिफरेंट अवेयरनेस है, अवेयरनेस क्या है, डिफरेंट। हर किसी को तो जो हेलमेट नहीं पहना उसको रोकते हैं, यहां हेलमेट पहने हुए को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। और क्या डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, चॉकलेट्स, इंसेंटिव। तुमने डिफरेंट आइडिया दिया है, औरों से आंसर क्या तुम्हारा, अलग। और क्या लिखेंगे, विजुअल कैंपेन के बारे में लिखेंगे, नुक्कड़ नाटक लिखेंगे, ये क्या है, अलग है। ऐसे कर दिया कि जो डिस्ट्रिक्ट, जैसे एक और आइडिया हो गया कि जो डिस्ट्रिक्ट अवेयरनेस के मामले में सबसे आगे, उसके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को या उस गांव या जब जो वहां के जो निर्वाचित अधिकारी है या उस गांव को सिने स्टार से मिलने का मौका दिया जाएगा। हर कोई मिलना चाहता है, ऑटोमेटिक क्या करेंगे, अनुपालन। आइडिया डिफरेंट है ना। ऐसे एक बार हुआ था तो किसी डिस्ट्रिक्ट ने, दो एक या डेढ़ साल पहले खबर थी कि वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि हम भारत में प्रथा है जब भी कोई नई गाड़ी लेंगे तो सबसे पहले कहां जाएंगे, मंदिर। पंडित जी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, गाड़ी है और हेलमेट नहीं है तो आप पूजा नहीं करोगे, गाड़ी है हेलमेट नहीं है तो पूजा नहीं करोगे। आइडिया डिफरेंट है कि नहीं है, वो लिखोगे तभी तो मार्क्स मिलेंगे। वो सब कहां से आएगा, न्यूज़पेपर से। ठीक है, नेक्स्ट, गवर्नमेंट लुक्स एट डिजास्टर मैनेजमेंट टूल। खबर है कि मुंबई में जिस तरह बारिश आ रही है, जिस तरह नुकसान हुआ है, तो मुंबई, यूएसए का एक थिंक टैंक है, यूएस ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी, इसके साथ मिलकर वह मुंबई फ्लड का अध्ययन कर रही है और वहां के लिए एक वह वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, सुभेद्यता सूचकांक तैयार कर रही है। सुभेद्यता सूचकांक का मतलब है कि कौन सा एरिया मुंबई का फ्लड होगा, किस में ज्यादा आएगा, किस में कम आएगा, और उस सुभेद्यता के आधार पर आप क्या अपना एक्शन प्लान बना सकते हो। खबर काम की नहीं। और अगर तुमने डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है तो वहां तुमने सुविधता पढ़ी होगी, और वहां से सेम आइडिया है कि वहां पर क्या बना रहे हैं, वो वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। तो डिजास्टर जब आती है, तुम्हें वन गो सबके लिए काम नहीं करना है, पहले क्या पहचानना है, सुविधता, और उसके बाद ही तुम्हारा क्या होगा, निर्णय। मुंबई जैसी सिटी जिसके पास इतना पैसा है, वहां पर अभी भी वल्नरेबिलिटी एनालिसिस नहीं है, जबकि हर साल क्या होती है, बाढ़। तुम्हारा डिजास्टर में एक्शन क्या है, रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं। इस तरह का इंडेक्स बनाकर वो क्या कर रही है, सुविधता का क्या कर रही है, आंकलन। तो यहां से खबर काम की नहीं है, एक वर्ड तुम्हारे लिए काम का है, क्या, सुविधता सूचकांक, वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। कहां यूज होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट, बस एक शब्द काम का है, खबर काम की नहीं है। बट शुरू में खबर क्या करना है, पढ़ना होगा, पर खबर से एक ही वर्ड निकालना है, क्या, सुविधता सूचकांक। समझ में आया। फिर स्ट्रीमिंग जायंट नेटफ्लिक्स लिंक्स मल्टी ईयर एक्सक्लूसिव डील विद करण जौहर।
काम का नहीं है, जनरल अवेयरनेस के लिए पता होना चाहिए कि नेटफ्लिक्स क्या है। जनरल अवेयरनेस ओवर द टॉप सर्विस, बस ये पता होना चाहिए और कुछ नहीं। नेटफ्लिक्स क्या है, डील वील कुछ काम की नहीं तुम्हारी, क्योंकि जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि इसी से तुम्हारा पीटी की तैयारी है, इसी से तुम्हारा मेंस की तैयारी है और इसी से तुम्हारा इंटरव्यू की प्रिपरेशन है। नेक्स्ट पेज नंबर 8, ईडी ट्रेंस लेंस ऑन शिव कुमार डॉटर्स एंड समनहर। काम का नहीं है, काम का क्या है, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट प्रवर्तन निदेशालय, कौन से मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री। आज जब ईडी आ गया है दो चीजें और पता होनी चाहिए, सीबीडीटी और एसएफआईयू, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिव ऑर्गेनाइजेशन मंत्रालय, कॉरपोरेट अफेयर्स एसएफआईओ, यहां नहीं लिखा है, खबर काम की नहीं है, ईडी को देखते ही याद आना चाहिए एसएफआईओ, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिव ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेट मंत्रालय। सिविक अथॉरिटीज आस मराडू फ्लैट ऑनर्स टू वेकेट इन 5 days। कोस्टल रेगुलेशन जोन का उल्लंघन करते हुए एकदम किनारे पर क्या बनाए गए थे, फ्लैट। लैटेंट वायलेशन देखते देखते ही सब कुछ कैसे हो रहा था, तुम्हें पता है यहां से क्या होना चाहिए, सीआरजेड, सीआरजेड। और किस तरह है पावर का यूज करते हुए लॉ का क्या हो रहा है, मिसयूज। काम का कुछ नहीं है ये खबर, चाहो तो ऐसे में भी यूज हो सकती है। मराडू फ्लैट तो कई बार आया ना न्यूज में, केरल के बारे में लेते हुए कई बार बिल्डिंग्स की फोटोज आती हैं न्यूज में, वो है ये खबर। अंदर कुछ काम की नहीं है, ना पीटी के लिए ना मेंस के लिए, हाँ यूज हो सकते कहीं भी। यहां पर एक वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम लिखा होगा सेकंड पे, यहां पर बस ये जानना है केरला में। यूपीएससी कई बार सेंचुरीज के नाम पूछता है, जैसे इस बार जब इसने क्या पूछा था 2019 में अगस्तमलाई, तो अगस्तमलाई की नैयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में थी, नैयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में थी और तुम लोगों को मैंने लिखवाया भी था वो नैयर। और वो सारा जब सब कुछ पूछ रहा है करंट से पूछ रहा है, वायनाड सेंचुरी यहां से पढ़ के पता होना चाहिए क्या है केरला में, बस खत्म। ये काम का नहीं है। फिर इस खबर में नीचे कुछ काम का नहीं है, यहां पर एक वर्ड लिखा होगा एंडोसल्फान, इस खबर में ये खबर काम की नहीं है, काम का यहां है एंडोसल्फान। एंडोसल्फान क्या है, कीटनाशक, पेस्टिसाइड। तो तुम्हें याद आना चाहिए स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, और एंडोसल्फान को बैन किया गया, बट ये शुरू में तुम यहां से पिक नहीं कर पाओ। यहां वर्ड लिखा होगा एंडोसल्फान, बना है गुजरात, गुजरात वो अलग है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे था, वहां से नहीं है, एंडोसल्फान अलग है। इसी पर फिर तुम्हें कमेटी भी याद आ सकती है इंडिया में, जिन्होंने कुछ पेस्टिसाइड्स को बैन करने को कहा है, वो तुम्हारा क्या है, बेसिक है। काम की खबर नहीं है, काम का क्या है यहां से, एंडोसल्फान। किससे, इससे कैंसर की बीमारियां हो रही, इसको तुम यूज कर सकते हो एनवायरमेंट वर्सेज डेवलपमेंट डिबेट, पर्यावरण वर्सेज विकास की डिबेट में। नेक्स्ट 120 केजी मेफ्रोडोन वर्थ
52 करोड़ सीज, कुछ नहीं है, काम है, ड्रग है बस। अगर कोई क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है ड्रग मैनेक पर इंडिया के, तो नाम याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो ये खबर काम की नहीं है। जैसे यूपीएससी ने 2018 में पूछा था ना ड्रग पर क्वेश्चन, पेपर 3 में, इंटरनल सिक्योरिटी में, टैबरेज लिंचिंग, पुलिस ड्रॉप मर्डर चार्जेस, झारखंड वाली जो लिंचिंग हुई थी, बस ये खाली नाम पता होना चाहिए। यूपीएससी अगर लिंचिंग पर क्वेश्चन पूछता है तो झारखंड तुम्हारा क्या होगा, एज ए एग्जाम्पल। खबर काम की नहीं है अगर तुमने बैकग्राउंड में मॉब लिंचिंग की वो घटनाएं पढ़ रखी है तो। तमिलनाडु की सीजीआई थी ना, जिन्होंने अभी जिनको ट्रांसफर किया गया मेघालय, और वो रिजाइन करने का सोच रही हैं या कर दिया, और यह खबर कहाँ यूज होगा, कलीजियम के पावर, कोलिजियम के पावर पर, कैसे उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछता है कि कोलिजियम में चेंज करने की जरूरत है कि नहीं है, गवर्नमेंट का साइड अलग है, यहाँ का भी, यह वाला हाल ही में तमिलनाडु के जज का जो मामला था जहां उन्हें मेघालय ट्रांसफर कर दिया गया, जिसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिनका समझा जा रहा है उनका स्टेटस क्या कर दिया गया, लोअर, कोलिजियम पर क्या करता है, क्वेश्चन मार्क उठाता है। ये क्या होगा, एज ए एग्जाम्पल के तौर पर, एज ए एग्जाम्पल के तौर पर कोलिजियम में पूरा हाथ जुडिशरी का नहीं होना चाहिए, उसमें क्या लानी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी। तो ये खबर क्या होगी, एग्जाम्पल मेंस में, और ऐसी खबरें नहीं आती कहीं भी। नाम भी नहीं पता होना चाहिए जज का, और ना नाम लिखना है। हाल ही में हुआ मामला, यहां पर 2 न्यू स्पीसीज ऑफ जिंजर डिस्कवर्ड इन नागालैंड। यूपीएससी 2016 में ऐसा क्वेश्चन पूछा करता था जहां उसने केले की प्रजाति पूछी थी, नई प्रजाति कहां मिली है। आजकल यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, फिर भी पढ़ना है तो इसको पढ़ सकते हो, तो वो स्पीसीज के नाम निकाल सकते हो। बट हाँ, अब यूपीएससी जब पूछेगा तो पूछेगा अदरक के लिए ज्योग्राफिकल सिचुएशन क्या क्या चाहिए, जिंजर मतलब अदरक, तो जिंजर के लिए क्या क्या ज्योग्राफिकल सिचुएशन चाहिए, बस वह पता होना चाहिए। पर 16 के पैटर्न के अकॉर्डिंग दोनों नाम, बट अब वो नहीं पूछेगा। अगर उसको पूछना होगा तो अदरक के लिए ज्योग्राफिक कंडीशन क्या चाहिए वो पूछेगा, और अगर नागालैंड में होती है तो आइडिया ये होना चाहिए मोइस्ट एनवायरनमेंट उसको चाहिए। अगर तुम्हें आर्द्र एनवायरनमेंट पता है और यूपीएससी के पूछने का तरीका पता है, आर्द्र अगर तुम्हें पता है तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर, यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन अभी तक यूपीएससी में नहीं पूछे। हाँ, एनडीए में लगातार वो पूछ रहा है, 10 से पहले उसने क्वेश्चन पूछे हैं, पर वो तुम्हें कभी भी पूछ सकता है। और ये अदरक जैसे टॉपिक एनसीईआरटी या तुम्हारे नोट्स में नहीं होंगे कि कहां उगाया जाता है, बट इस खबर को अगर तुमने पढ़ा, अगर तुम्हें इतना याद है नागालैंड में होता है, नागालैंड की जलवायु पता है, और क्वेश्चन अदरक का पूछता है, तो अभी मैंने तुम्हें क्या बोला था, मैक्सिमम क्वेश्चन किससे होंगे, इन्फरेंस से, तो इन्फरेंस से क्वेश्चन होगा फिर वो, समझ में आया, इसलिए न्यूज़पेपर। सबसे बड़ी दिक्कत होती है फिर एडिटोरियल में, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, मैक्सिमम यही हम मात खा जाते हैं। लेफ्ट साइड का मेन एडिटोरियल है फैक्टरिंग इन सेफ्टी, यहां पर जो अभी मुंबई में फायर हुई थी ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन के उसमें, और कुछ व्यक्ति जल गए थे, तो सेफ्टी, वर्क सेफ्टी को लेकर एडिटोरियल है। यह एडिटोरियल तुम्हें अपने लैंग्वेज बनाने के लिए पढ़ना है, और इससे केवल एक ही खबर में इसमें यूज होगी। हम जब
मैन्युफैक्चरिंग या उसकी बात करते हैं या लेबर की बात करते हैं तो लेबर के लिए हम सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, उसके वर्क सेफ्टी की बात नहीं करते। तो यहां से तुम्हें एक डायमेंशन मिलेगा, लेबर रिफॉर्म में एक डायमेंशन क्या होना चाहिए और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, कार्य करने के दौरान क्या सुरक्षा, यह इसमें लिखा है। और द वे दिस आर्टिकल हैज बीन रिटन वो खाली पढ़ना है, अदरवाइज इस आर्टिकल में कुछ भी नहीं है। हाँ, एक जरूर लिखा है कि 2019 का जो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन कोड जो है लोकसभा में क्या हुआ है, इंट्रोड्यूस। अब ये कोड जब तक है अभी तो कोड पढ़ना नहीं है, जब पास हो जाएगा तो क्या करना है, पढ़ना है। अदरवाइज ये कोड जो यहां लिखा है एज ए एग्जाम्पल तुम्हारे आंसर में क्या होगा, यूज होगा। लेबर लॉ रिफॉर्म में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एज ए एंगल, क्वेश्चन इस पर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमें एडिटोरियल में परेशानी होती है, एडिटोरियल लाइन टू लाइन नहीं, एडिटोरियल सुनने से नहीं आएगा, ये एडिटोरियल इसलिए पढ़ना है क्योंकि तुम्हें अपनी लैंग्वेज में रिफॉर्म लाना है, और लैंग्वेज कईयों की हमारी गड़बड़ है, वो पढ़ने से ही सुधरेगी, सुनने से नहीं सुधरेगी। बोलना अलग चीज है, लिखना अलग चीज है, बोलना अलग चीज है, हम लिखना अलग चीज है, जरूर नहीं जो अच्छा वक्ता हो सकता है वो अच्छा राइटर भी हो सकता है। यहां तुम्हें अच्छा राइटर बनना है क्योंकि तुम्हारी कॉपी ही चेक होगी, तुम्हारा चेहरा चेक नहीं होगा कि तुम कितना अच्छा बोलते हो। नेक्स्ट जो आर्टिकल है मिड वाला काम का ही नहीं है, जम्मू कश्मीर पर मीडिया की जो रिपोर्टिंग होती है उस पर है मिड वाला आर्टिकल। हां, कुछ लाइन उठाना चाहते हो तो उठा सकते हो, यहां सबसे लास्ट में यहां पर लाइन है, सबसे लास्ट पर, इन 1994 गैब्रियल गार्सिया मार्केज रॉट जर्नलिज्म इज अ बायोलॉजिकल नेसेसिटी ऑफ ह्यूमैनिटी। मीडिया पर ये तुम्हारे पास क्या हो सकती है, कोट हो सकती है, निबंध कभी भी यूज हो जाएगी, ये कोटेशन उठा सकते हो, ऐसे भी हो सकता है इस पर, समझ में आया, खाली एक लाइन काम की इस आर्टिकल में, नीचे भी काम का है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, बट वो याद देखो, अल्टीमेटली तुम्हें करना क्या है, आंसर लिखना है ना, एग्जाम निकालने आए हो कि नॉलेज लेने आए हो, निकालने आए हो तो उतना ही याद रखो ना जितना पचा पाओ, जितना लिख पाओ, क्यों अपने ऊपर बम्बारमेंट करोगे, मतलब क्या पूरे नोट्स बना लिए लिख ही नहीं पाओ, तुम्हें उसका भी ख्याल रखना है, पढ़ना कितना है और कितना रिप्रोड्यूस तुम कर पाओगे। एक ही चीज की तुम्हारे पास 6-7 कोटेशन है, लिखने तो तुम्हें एक ही है ना, उस 7 में से छांटो 2 या 3 तुम जो लिख सकते हो कहीं भी, क्योंकि हमारी भी क्या लिमिटेशन है, इसलिए लाइन ही लिखवाई मैंने। नेक्स्ट पैराग्राफ जो नीचे वाला होगा ये काम का नहीं है, पर हाँ इसको पढ़ने से तुम्हें एक खबर पता लगेगी कि जो डिसेबिलिटी है इसमें हम सब कुछ जगह ध्यान दे रहे हैं, एक हम चीज जो भूल जा रहे हैं वो है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में विजुअल और आवाज आती है, जो डीफ है उसके लिए जब भी कोई प्रोग्राम आए नीचे क्या आए, सबटाइटल, ताकि वो भी उसको पढ़ करके आप हो पाए उसका आनंद ले पाए। इसी में पीटी के लिए इस आर्टिकल में एक लाइन है प्रीलिम्स के लिए कि आपका जो डिसएबिलिटी एक्ट है 2016 का सेकंड पैराग्राफ में होगा द वेल स्प्रिंग, वह यह कहता है द पॉलिसी इंपेटस फॉर दिस डिसीजन इज रूटेड इन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 व्हिच मेड सब टाइटल्स ऑन टीवी ए राइट। सब टाइटल जो टीवी में आए वो क्या हो, राइट्स। सब टाइटल पता है ना क्या होता है, जो तुम बोल रहे हो वही
लिखे हुए कहां है उसी लैंग्वेज में, नीचे आए। यहां से पीटी का ये क्वेश्चन भी हो सकता है। और डिसेबिलिटी के लिए अगर तुम्हें सुविधाएं बढ़ानी हो, तुम क्या बात करोगे, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहोगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डिसेबल फ्रेंडली होना चाहिए, ये होना चाहिए। क्या कभी एंटरटेनमेंट के बारे में ध्यान दिया है? नहीं। तो यह खबर तुम्हें क्या बताएगी, यह भी क्या होना चाहिए, होना चाहिए। सब टाइटल क्या करने चाहिए, उपलब्ध करवाने चाहिए। समझ में आया? डिसेबिलिटी में ये क्या होगा, एक लाइन तुम्हारे लिए क्या होगी, यूज होगी। समझ में आया? ये आर्टिकल काम का नहीं है। यूपीएससी तुम्हें पर्टिकुलर नहीं पूछता है, जनरल पूछता है। जनरल में ये क्या होगा, खबर काम की होगी। क्लियर? हार्ड फॉर्ट ग्लोरी नडाल पर है, स्पोर्ट्स पर है, काम का नहीं। फेसिंग अप टू रियलिटी चंद्रयान पर है, इसमें कुछ ऐसा लिखा नहीं है। पर हां, चंद्रयान के बारे में चार महत्वपूर्ण चीजें जो है, जो चंद्रयान को स्पेशल बनाती है, वो इस पैराग्राफ में लिखा होगा। मिड सेकंड लाइन में पहले पैराग्राफ लिखा है, वो तुम्हारे पीटी के काम का है। इसरो प्रोवाइड्स फोर रीजन ऑन इट्स वेबसाइट फॉर व्हाट मेड द चंद्रयान टू मिशन स्पेशल। पहला, दिस वुड बी फर्स्ट स्पेस मिशन टू कंडक्ट ए सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून साउथ पोल। सेकंड, द फर्स्ट इंडियन एक्सपेडिशन टू अटेम्प्ट ए लैंडिंग ऑन लूनर सरफेस यूजिंग होम ग्राउंड टेक्नोलॉजी। पहले ये रशिया के साथ था, पर रशिया ने इसको नहीं किया तो फिर डिले हो गया। होम ग्राउंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी। थर्ड, फर्स्ट इंडियन मिशन टू एक्सप्लोर लूनर टेरेन विथ होम ग्राउंड टेक्नोलॉजी। एंड फोर्थ, वुड मेक इंडिया ओनली द फोर्थ कंट्री टू सॉफ्ट लैंड ऑन द मून। साउथ पोल पे उतरने वाला पहला होता, तो साउथ पोल पर किसी ने अभी तक नहीं गया है। यहां से तुम्हारा पीटी की खबर हो सकती है। फिर राइट में, वन ईयर आफ्टर नवतेज जौहर इमेजिनिंग एंड इक्वलिटी लॉ। नवतेज जौहर जो है केस, वो एलजीबीटी पर था, जिसने 377 जो धारा थी आईपीसी की, जो गे सेक्स को क्रिमिनलाइज बनाता है, उसको क्या किया गया, डिक्रिमिनलाइज किया गया। और उस एक साल बाद भी क्या एलजीबीटी को वो राइट्स मिले हैं, क्या सरकार ने कदम उठाए हैं, उस पर क्या है ये आर्टिकल है। और इसी केस में फिर तीन या चार जजमेंट और जो हैं उनका जिक्र है, जहां पर यूनियन ऑफ इंडिया को इक्वलिटी के लिए और जो है अधिक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन दी गई है। तो यहां पर जो थर्ड पैराग्राफ है, वहां पर तुम्हारे जजमेंट तुम्हारे प्रीलिम्स के लिए काम के हैं। वहां पर लिखा होगा, द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन नवतेज जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नॉट ओनली लेड द ग्राउंड फॉर स्ट्रॉन्गर इक्वलिटी रिकॉग्निशन सच एज जजमेंट इन द जोसेफ शाइन केस। जोसेफ शाइन केस में क्या हुआ है, डिक्रिमिनलाइजिंग अडल्ट्री 2018 एंड द जजमेंट ऑफ सबरीमाला केस रिकॉग्नाइजिंग द राइट्स ऑफ वुमेन टू एंटर रिलीजियस श्राइन बट ऑल्सो लेड टू डिक्रिमिनलाइजिंग ऑफ सेम सेक्स इंटरकोर्स इन अदर जुरिडिक्शन सच एज द हाई कोर्ट ऑफ बोस्टवाना एंड इंस्पायर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज टू सेक्शन 377A इन सिंगापुर। नवतेज जौहर ने हमारे यहाँ ही प्रेरित नहीं किया है, सिंगापुर और बोस्टवाना में भी इसने क्या डाला है, इफेक्ट। यहाँ पर तुम्हें दो और जजमेंट, सबरीमाला और अडल्ट्री पर जोसेफ शाइन केस, बस पीटी के लिए। और तुम्हारी खबर के लिए नवतेज जौहर केस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फिर है ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन। ये आर्टिकल पूरा पढ़ना है, पूरा नोट डाउन करना है, इसमें तीन या चार कोटेशन है और इस पर क्वेश्चन हो सकता है, इस पर क्वेश्चन कैसे होगा, ये आर्टिकल है जो हाल ही में
गवर्नर का अपॉइंटमेंट हुआ है और गवर्नर हम पढ़ते हैं, बट हम पीटी के हिसाब से पढ़ते हैं, कभी भी मेंस के हिसाब से नहीं पढ़ते हैं। और वो मेंस का गवर्नर तुम्हारा एडिटोरियल से कवर होगा, या तो बुक्स पढ़ो या एडिटोरियल ध्यान से पढ़ो। यह द कोर आई इसका पेज है जहां पर सिक्योर 2020 के क्वेश्चन है। तो आज ही ये क्वेश्चन डाला है, वो क्वेश्चन इसी आर्टिकल पर है। क्वेश्चन है, गवर्नर इज नॉट एन एम्प्लॉई ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट नॉर द एजेंट ऑफ द पार्टी इन पावर नॉर रिक्वायर्ड टू एक्ट अंडर द डिक्टेट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। हाउएवर कंडक्ट ऑफ दिस ऑफिस सिंस इंडिपेंडेंस सीम्स टू बी कॉन्ट्रेरी टू द अबव स्टेटमेंट। डू यू एग्री? गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। राज्यपाल केंद्र सरकार का कर्मचारी नहीं है, न ही सत्ता में पार्टी का एजेंट और न ही राजनीतिक दलों के हुक्म के तहत काम करने के लिए आवश्यक है। हालांकि आजादी के बाद से इस कार्य का संचालन उपरोक्त कथन के विपरीत है। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दें। इस एडिटोरियल में कंस्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट थी गवर्नर को लेकर और डिफरेंट कंस्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने क्या कहा था, क्या क्या उन्होंने अप्रहेंशन जारी की थी, वो लिखा हुआ है। और इस आर्टिकल में फ्लो दर्शाया गया है अपॉइंटमेंट को लेकर कि कैसे प्रेसिडेंट अपने वारंट एंड सील के तहत जिस तरह गवर्नर को अपॉइंट करता है, वह कैसे पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो सकता है और कैसे वह एक एजेंट के तौर पर काम नहीं करना चाहिए, प्रतिनिधि के तौर पर काम करना चाहिए, परंतु वह एजेंट का काम करने लगता है। यह क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में इस एडिटोरियल का एक एंगल यूज होगा। यह क्वेश्चन है जनरल, बट इस जनरल क्वेश्चन में एक डायमेंशन आएगा अपॉइंटमेंट का और बाकी क्वेश्चन तुम्हारे बेसिक नॉलेज से होगा गवर्नर के। यूपीएससी कभी भी इस एडिटोरियल से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन अगर यूपीएससी का होगा तो वो गवर्नर पर होगा, बट जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन करते नहीं है और इसलिए मेंस में हाथ पांव फूल जाते हैं। केवल लक्ष्मीकांत पढ़कर या ज्यादा से ज्यादा हुआ था लुसेंट पढ़कर अपना काम चलाते हैं और मेंस में आते ही हाथ पांव फूल जाते हैं, इसलिए सिलेक्शन भी नहीं होता है। और जब तक, क्योंकि 5 अटेम्प्ट में तो पीटी होता है, 6 अटेम्प्ट में जब तक होश आता है तो पता लगता है कि ये तो किया ही नहीं है। और 5 अटेम्प्ट में पीटी होने का कारण भी यही है कि केवल पढ़ना, एनालाइज नहीं करना, केवल पढ़ना, बुक्स पढ़ना। बुक्स तो वही पढ़ रहे हो जो पिछले साल पढ़ी थी, इस बार भी वही पढ़ रहे हो। अपनी रणनीति में कभी हम चेंज नहीं करते हैं, बुक्स पढ़ते रहते हैं, मैगजीन उठाते रहते हैं, एक ही 5-5 मैगजीन होना होगा तो एक से ही हो जाएगा अगर अंडरस्टैंडिंग है तो। वो अंडरस्टैंडिंग लेनी है इस अखबार से। इस एडिटोरियल में जो स्टेटमेंट है वो तुम्हारी नोट्स में जाने चाहिए और यह एडिटोरियल है जो वास्तव में तुम्हें पूरा 1-to-1 वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है। और इस वर्ड बाय वर्ड पढ़ने के बाद यहां से तुम्हें 4 लाइन उठानी है, बस 4 लाइन उठानी है और वो लाइन तुम्हारी इस क्वेश्चन में यूज होगी। और इस क्वेश्चन के लिए एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ? अपना उत्तर जो भी है उसका कारण देना है, एग्जाम्पल देने हैं, ऐसे इंस्टेंस देने हैं। वो इंस्टेंस तुम्हें ऐसे एडिटोरियल में मिलते हैं। तुम सहमत हो कि नहीं हो सहमत, कितनी देर तक सहमत हो कि एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, नहीं प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहा है, कि दोनों काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल दोनों मौजूद है जहां उसने पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट भी काम किया और पॉलिटिकली डिपेंडेंट होकर भी काम किया। कई गवर्नर ऐसे हैं जो एक्टिव थे, नियुक्त किया गया, वापस छोड़कर राजनीति में आ गए, बहुत से एग्जाम्पल हैं। और उनके द्वारा किए गए कृत्यों को यहां
जब तक तुम कोट नहीं करोगे तुम्हारा आंसर नहीं होगा। जैसे वेबसाइट पर आज कल ही किसी ने आंसर डाला था, जो कल क्वेश्चन पोस्ट हुआ था जनसंख्या को लेकर, उसने लिखा बहुत अच्छा है, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, बट एक ही मिस आउट कर गया, एग्जाम्पल नहीं है, सब्सटेंशिएट नहीं कर रहा है। और जब तक सब्सटेंशिएट नहीं करोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें भाषण लिखना बहुत अच्छा आता है, उस भाषण को सब्सटेंशिएट कैसे करें वो नहीं आता। ये एडिटोरियल वर्ड टू वर्ड काम का है, और इस एडिटोरियल में अगर मैं निकालने को तुम्हें बोलूं तो ये 3 या 4 लाइन निकलेगी, उसमें निकलेगा सरदार हुकुम सिंह ने कहा, क्या कहा था, जब गवर्नर को चूज करना है तो उन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो जो नाम देगी उससे उन्हें क्या करना चाहिए, चूज करना चाहिए। इसी तरह सरदार हुकुम सिंह के अलावा डॉक्टर दुर्गाबाई ने क्या कहा, वह है फिर 5 जज बेंच जो थी, जो बीपी सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था 2010 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, ये 3 या 4 लाइनें हैं। फिर जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, बस ये लाइनें हैं, और तुम ये चारों पांचों यूज नहीं कर पाओगे एग्जाम में, तो तुम किसी एक या दो को ही क्या कर पाओगे, कोट। और वो भी क्योंकि 5 यूज करने के लिए पहले तुम्हें पता होना चाहिए क्वेश्चन आने वाला है, तभी तो रट्टा मार के जाओगे। पर क्या ऐसा होगा, नहीं होगा। तुम जनरल पढ़ोगे तुम्हें 1 या 2 स्टेटमेंट क्या होंगे पता, और जब तुम इनके कोटेशन कोट करोगे तो मार्क्स औरों से बिल्कुल हटकर होगा। यहां पर बस केवल एंगल किसका है, अपॉइंटमेंट का, अदर भी एंगल है गवर्नर को लेकर। जैसे ये एनालिसिस हिंदू का है, ऐसे एनालिसिस जागरण का भी है। जागरण में भी कोई डिफरेंट नहीं है, सेम है, पढ़ने का तरीका अगर आता है तो किसी भी चीज के लिए वो सेम होता है, बट हमने वो तरीका कभी देखा नहीं है तो हम एक ही रटे धार पर एक ही धर्रे से चले जा रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं तो हमें ये नहीं पता है यूपीएससी पूछेगा क्या, इसलिए हमारा सिलेक्शन रुक सा जाता है। फिर फ्रॉम द आर्काइव इजराइल स्ट्राइक्स एट स्वेज, राइट में लिखा है इजराइल स्ट्राइक्स एट स्वेज, वैसे तो पढ़ना नहीं होता है पर इसको देखते ही तुम्हें यूपीएससी का 2013 का क्वेश्चन याद आना चाहिए, स्वेज नहर क्राइसिस क्या था, यूपीएससी ने पूछा है ना 2013 में, बस पता होना चाहिए। और नहीं पढ़ते हो तो ज्योग्राफी से इतना पता होना चाहिए कि स्वेज नहर क्या कहाँ है, बस। नेक्स्ट 12 नंबर पेज, कुछ नहीं पढ़ना है क्योंकि हम इन सबको मेन पेज पे था उन्हीं का विस्तार है, हम उसको देख चुके हैं, जो मेन पेज पे है उसी उन्हीं सब खबर का क्या है यहां पर विस्तार। 13 नंबर पेज, मोदी ओली ओपन्स क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन, इंडिया नेपाल रिलेशन में एक लाइन क्या होगी, यूज होगी पाइपलाइन, मोतिहारी अमलेखगंज एनर्जी पाइपलाइन, 13 नंबर पेज पर, यह तो जागरण में भी खबर होगी, मोतिहारी
अमलेखगंज पाइपलाइन किसके लिए? पेट्रोलियम उपलब्ध करवाने के लिए, लिखा है ना? नेक्स्ट लेफ्ट में फिर लिखा होगा पंजाब सीएम फॉर वीजा फ्री एंट्री टू करतारपुर। तो करतारपुर कॉरिडोर, यूपीएससी ने एनडीए में करतारपुर कहां कहां कनेक्ट होगा क्वेश्चन पूछा है, तो मैं करतारपुर देखते ही जिले पता होने चाहिए कौन से जिलों को जोड़ेगा। क्या अमृतसर है? नहीं, अमृतसर से नहीं जुड़ेगा ये। तो यहां करतारपुर हम पढ़ते हैं, पर करतारपुर पे यूपीएससी ने क्या पूछा वो पता होना चाहिए। उसने पूछा पंजाब का कौन सा जिला और पाकिस्तान का कौन सा जिला इसमें क्या है जुड़ेंगे। तो खबर जब पढ़ रहे हो तो ये जब खबर एक बार पढ़ोगे, इसमें तो नहीं लिखा हुआ है पर पहले कभी क्या होगा लिखा होगा। और करतारपुर का पता होते ही तुम्हें यह पता होना चाहिए ननकाना साहिब डिफरेंट है, करतारपुर क्या है डिफरेंट। फिर आर्मी होल्स साइमल्टेनियस एक्साइज इन रशिया एंड यूएसए। यूपीएससी कभी भी तुम्हें एक्साइज नहीं पूछता है, युद्धाभ्यास नहीं पूछता है, सीडीएस में पूछता है। तो तुम खाली पढ़ लोगे, नोट डाउन नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें कभी नहीं पूछता है। सेंट्रल मूव्स टू सेल डाटा फ्रॉम स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट। मैंने शुरू में आते ही खबर यही ली थी कि कैसे गवर्नमेंट के लिए नया पैसा जनरेट कौन करवा सकता है, डाटा। उस डाटा की मार्केटिंग के जरिए कैसे वो पैसा नया जनरेट कर सकती है मार्केटिंग के लिए, किस तरह में किस समय क्या भीड़ होगी। जैसे मेट्रो है, मेट्रो का राइडरशिप का डाटा है, किस समय मुखर्जी नगर स्टेशन के लिए बच्चे उतरते हैं। अगर वो स्लॉट पता है तो उस स्लॉट के लिए एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट क्या होगा ज्यादा, बजाय किसी को पूरे टाइम के लिए दे दे, उस पीक टाइम के लिए वो क्या करे यूज करे। तो डाटा भी, डाटा की मार्केटिंग के जरिए भी सरकार के पास क्या आ सकता है पैसा। ये कहां यूज होगा, जब क्वेश्चन आएगा नए सोर्स ऑफ रेवेन्यू म्युनिसिपैलिटी के लिए, या डाटा का यूज किस तरह हो सकता है। समझ में आया, यूज होगा इसका। नहीं है काम का, पेज नंबर आगे 14 वर्ल्ड। यूएस प्रेसिडेंट सेज टॉक्स विद तालिबान आर डेड। तालिबान के तहत सहत राइट साइड में वार्तालाप एंड हो रहे हैं, तो यह वार्तालाप एंड हो रहे हैं तो अब नया ट्विस्ट आ जाएगा। यूपीएससी अगर अफगानिस्तान पे क्वेश्चन होता है तो तुम्हारी हेडलाइन चालू होनी चाहिए अफगानिस्तान के साथ वार्तालाप क्या हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं। तो उसका इंडिया पर क्या इंपैक्ट होगा वो पढ़ना है। ये खबर काम की नहीं है, यहां से बस इतना लेना है कि तालिबान के साथ वार्तालाप क्या हो चुके हैं, अंत के कगार पर, कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। तो इससे इंडिया पर क्या होगा इंपैक्ट होगा। और यह है मेंस का अगर क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने बोलता हूं आंसर राइटिंग में तुम्हारा आंसर हर दिन अलग होगा। कल दो दिन पहले किसी ने आंसर लिखा था अफगानिस्तान पर, वो क्या था डिफरेंट, और आज लिखे गया तो क्या होगा डिफरेंट, क्योंकि उसकी आंसर की स्टार्टिंग ही कहां से हो जाएगी, इस वार्तालाप जो अब नहीं होगा। और जितना ज्यादा करंट तुम्हारा अपडेटेड रहेगा आंसर में उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ट्रंप अब्रप्टली फायर्स हार्डलाइनर एनएसए जॉन बोल्टन, नहीं याद रखना। आफ्टर लेटेस्ट प्रोटेस्ट हांगकांग लीडर टेल्स यूएस नॉट टू इंटरफेयर। बस क्या जानना है, हांगकांग, हांगकांग में डेमोक्रेसी के लिए मूवमेंट चल रहा था, एक्सटेंशन ट्रीटी जो साइन होने वाली थी। अब जो हांगकांग है, अगर डेमोक्रेसी पर कहीं ऐसे आता है तो क्या होगा यूज होगा, अदरवाइज हांगकांग नहीं काम का। हाँ, हांगकांग काम का है पीटी के लिए, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। सून फ्लाइट्स विल लिंक जाफना टू इंडियन सिटीज। कुछ याद नहीं रखना है, जाफना एज ए क्या देखना है मैपिंग। और इससे यह भी हो सकता है कि इंडिया आसियान रिलेशन में अभी तक हडल क्या थी कनेक्टिविटी की, तो ये कनेक्टिविटी कैसे
मदद करेगी, बस खत्म, मेंस के लिए। US स्टेट्स लॉन्च प्रॉब इन टू गूगल्स ट्रेड प्रैक्टिसेस, कैसे बिग डाटा जायंट्स मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उनके बारे में सचेत रहने की जरूरत है। जिस तरह यूएस ने किया है, इंडिया को भी क्या रहना है, अलर्ट। तो क्वेश्चन अगर रिटेल चेन पर आता है, क्वेश्चन अगर मोनोपोली पर आता है, क्या यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता? यूज, देखो यूज के कारण खबरें जो है ना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यही खबर इंपॉर्टेंट नहीं है। बट यूज करना जानते हो तो यही खबर क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये यहां का नहीं, सेम लागू होता है कहां पर, अखबार में। इसलिए देखा होगा हिंदू क्लास में खाली वन लाइनर देता हूं कि वन लाइनर मेंस की क्लासेस में, वो वन लाइनर ही क्या है, यूजफुल है, कि वो वन लाइन क्या होगी, यूज होगी। ये हेडिंग अंदर काम की नहीं है, काम का क्या है, यूएस में क्या हुआ है। कभी कभी इस पेज पर तुम्हें पेपर फोर के लिए कुछ अच्छी कोटेशन मिल जाएगी, जैसे यहां पर लीडरशिप क्या होती है इसके बारे में लिखा होगा, वर्क कल्चर कैसा होना चाहिए लिखा होगा, जैसे इस वाले आर्टिकल में लिखा होगा कई कंपनियां जिनमें लोग काम करते थे छोड़ के चले गए, उन्हीं को वापस क्या कर रही है, अपजोर। ये काम का नहीं है तुम्हारे, बट अगर यूज करना चाहो तो ये थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, टफ। जो मैं बोल रहा हूं बार बार, यूज, यूज ही स्ट्रॉन्ग करना, और यूज को स्ट्रॉन्ग करने में टाइम लगता है। मेंस में कुछ याद नहीं आता, इसका कारण है यूज करना नहीं जानते हम। हमें पढ़ा है, कोई हमें बता देगा तो पता लग जाएगा, बट जब हम लिख रहे हैं तो याद नहीं आता है, क्योंकि जब हमने पढ़ा है तब हमने सोचा ही नहीं कि इसका यूज कैसे होगा, हमने सोचा ही नहीं क्या यूज कैसे होगा। जब अखबार हमने पढ़ा, हमने पढ़ लिया डाटा गवर्नेंस, बस पढ़ के क्या कर दिया, छोड़ दिया। नेक्स्ट पेज, सीबीडीटी पेज नंबर 16, बिजनेस। सीबीडीटी रिफ्यूजेज एनएससी प्लिया फॉर डेरिवेटिव सेगमेंट। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, यूपीएससी इस तरह की कोर इकोनॉमिक्स में नहीं जानता है, अगर तुमने देखा है तो कभी भी नहीं पूछता है। और जो सबसे टफ हमें लगता है इकोनॉमिक्स, वो सबसे आसान है यूपीएससी का। मेंस का इकोनॉमिक्स तो हम पढ़ते ही नहीं है जो यूपीएससी पूछता है, और अगर आंसर राइटिंग आती है, और मेंस का अगर तुमने एडिटोरियल पढ़े इकोनॉमिक के न्यूज पेपर्स के, मेंस हो जाएगा। तो सबसे हमें टफ लगता है इकोनॉमी, वो सबसे आसान है अगर हमने एडिटोरियल पढ़े हैं तो। यह खबर काम की नहीं है। एक्सपोर्ट्स कैन हेल्प ऑफसेट इकोनॉमिक स्लोडाउन सेज सीआईआई पैनल। बस ये कि एक्सपोर्ट करेंगे तो कैसे इकोनॉमी ग्रो होगी, बस वो, बाकी कुछ नहीं। इस पेज पर कुछ काम का नहीं है, अगले वाले पेज पर भी कुछ काम का नहीं है, परंतु एक वर्ड काम का है, एनसीएलटी। क्लीन एनर्जी प्रोड्यूसर्स कैन मूव एनसीएलटी फॉर ड्यूज, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इस खबर में कुछ नहीं लिखा है, अपितु तुम्हें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, कंपनी एक्ट 2013 पूरा पता होना चाहिए। इसमें तुम्हें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, इंसॉल्वेंसी एंटिटी, इसके तहत तुम्हें एनसीएलटी, एनसीएलएटी पता होने चाहिए। फिर तुम्हें और पता होना चाहिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, और इन सब में रिलेशन क्या है पीटी के लिए। और अगर वो सब कुछ पता है तो ये खबर तो वैसे भी काम की नहीं है। खबर जो है वो वैसे भी क्या है, काम की नहीं है।
हाँ, इंडिया आसियान टू रिव्यू फ्री ट्रेड पैक्ट इन गुड्स, ये पढ़ना है। भारत और आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता गुड्स में। आगे कुछ काम का नहीं है। हाँ, अगर किसी की हॉबी है पढ़ना या सॉरी स्पोर्ट्स, तो उसको पढ़ना है। अभी तक की खबर में पीटी के लिए जो हार्डकोर तुम पीटी समझते हो, एक तो जिंजर आया है, अदरक और बहुधा रिवर, एक दो लोकेशन, वो भी तब जब तुम्हें यह पता है कि यूपीएससी पूछता कैसे, अदरवाइज तो वो भी नहीं पता लगेगा, और वो जो आधे घंटे में न्यूज़पेपर खत्म होता है, आज देख के देखना ये सब कुछ है क्या वहां, बहुधा रिवर नहीं होगी, जो अफगानिस्तान की लोकेशन है वो भी नहीं होगी, वो भी लोकेशन नहीं होगी। और तुम्हें मेंस के लिए खबर को यूज करना क्या होना चाहिए, आना चाहिए। होता क्या, इस जर्नी में हम पढ़ते वो जो हमें पढ़ना है, और जो डायरेक्शन है उससे भटक जाते हैं, और डिजिटल पोल्यूशन इतना अधिक है कि हम अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। और चार बार ठोकर खाने के बाद भी उसी ढर्रे को क्या करते हैं, अपनाते हैं। बट इस एग्जाम के लिए वो थॉट प्रोसेस चाहिए कि कोई भी खबर तुम्हें पढ़नी है तो क्यों पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, और कितना क्या है काम का है। अगर तुम्हें इतना पता लग गया इस अखबार से मुश्किल तुम्हारे हार्डली दो पेज बनेंगे नोट्स के, हार्डली। और अगर यह पता है तो तुम इस अखबार से भी निकालना सीख जाओ, जागरण से, इसमें बहुत कुछ आता है, कूड़ा नहीं है ये, पर निकालना आना चाहिए। 90% खबरें जो हैं रिपीट है दोनों में, केवल 10% ही अलग होगा, केवल 10% अलग होगा, निकालना आना चाहिए। यहां देखा ना, जो खबर यहां थी वो यहां किसी और पेज पर है, पर खबर है, और कुछ जो यहां है वो यहां नहीं है। वो आना चाहिए, कोई डाउट पूछने में, क्योंकि जो यूज बोला है ना वो यूज टाइम लेगा, यूज ही मेन है, और यही तुम्हारे आंसर को औरों से अलग बनाएगा। तुम्हें अखबार नहीं पढ़ना, अखबार पढ़ना है यूपीएससी निकालने के लिए। तुम्हारा मकसद यूपीएससी निकालना है कि अखबार पढ़ना है? बट इस तैयारी के दौरान हम अपना मकसद भूल जाते हैं, इस तैयारी के दौरान अखबार पढ़ना हम मकसद बना लेते हैं, इसलिए अखबार को कंप्लीट करना हमारा एक कोरम बन गया है कि ये केन प्रकार हमें हिंदू करना है, इसलिए कान में लगा कर क्या करना है, सुनना है, कोरम ही है ना हमारा, एक कोरम ही है ना, क्योंकि खत्म करना है, क्योंकि हिंदू से आएगा तो उसे क्या आएगा ये तो समझो पहले। ह्यूमन राइट काउंसिल कोई नहीं बताएगा, पर क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने अपने आईएएस के पेपर में नहीं पूछा है, तो एससीआरए के पेपर में पूछा है। मीटिंग कहां हो, नहीं आएगा न्यूज़पेपर में, यह तो नहीं आएगा ना, ह्यूमन राइट्स काउंसिल होती क्या है, यह तो नहीं आएगा ना, यह तो बैकग्राउंड खुद जानना होगा ना, मीटिंग में क्या हुआ है यूपीएससी पूछेगा भी नहीं, डिबेट में क्या है, ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में नहीं आया होगा, क्या हुआ हुआ आएगा। अब जब तुमने डिबेट सुनी है, तुम्हें यह भी बताओ नहीं यूपीएससी पूछेगा क्या, तुमने अगर डिबेट सुन ली कि ह्यूमन राइट काउंसिल में ये कहा गया, यूपीएससी कभी पूछेगा ही नहीं वो, बट हमारा आधा घंटा तो बर्बाद हो गया ना,
सुनने के दौरान आधा घंटा तो बर्बाद हो गया ना, क्योंकि हर किसी ने बोला राज्यसभा टीवी देखना, तो टीवी देख रहे हैं, ये नहीं पता कि उस टीवी में से भी मुझे क्या देखना है। जो चीज न्यूज़पेपर में लागू होती है वही चीज तुम्हारी पढ़ाई में लागू होती है, वही चीज तुम्हारी योजना में लागू होती है, वही चीज जो तुम जो भी देखते हो उस पर लागू होती है। इवन अगर एंटरटेनमेंट कर रहे हो और पता है कि यूपीएससी में क्या पूछेगा, उस एंटरटेनमेंट के दौरान भी तुम निकाल लोगे कि कहां मैं क्या चीज यूज कर सकता हूं। आरएस टीवी में तुम्हें पिक करना होगा कौन सा टॉपिक निकालना है, जिस टॉपिक पर तुम्हारे पास कंटेंट ही नहीं है वो कंटेंट देखो। बार बार मैं बोल रहा हूं तुम्हें अल्टीमेटली रिप्रोड्यूस करना है, एक ही चीज के लिए 50 आर्टिकल पढ़ रहे हो क्या यूजफुल है? 50 में से 5 भी पढ़ लोगे छठा रिपीट होगा, एक पॉइंट अलग मिलेगा। वही अभी आरएस टीवी इंपोर्टेंट नहीं है, इंपोर्टेंट है क्या? एग्जाम निकालना। तो एग्जाम निकालने के दौरान देखो कि आरएस टीवी तुम्हारा कैसे एक माध्यम है। अभी बात को समझो, हमने इस मार्केट में सब कोई कह रहा तो कर रहे हैं, पर हमें यह नहीं पता कि क्यों कर रहा हूं मैं। क्या कभी पूछा अपने आप से? क्या तुमने कभी पूछा अखबार में जब पढ़ रहा हूं तो क्यों पढ़ रहा हूं? कभी पूछा क्यों? सबने कहा है तो तुम क्या पढ़ रहे हो? अखबार। जब वो क्यों ही तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें अखबार पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा होगा कि आता है, ये बताओ अखबार पढ़ने में किस किस को इंटरेस्ट आता है? एक, बाकी क्यों पढ़ रहे हो? एग्जाम के लिए। बट एग्जाम के लिए यह नहीं पता कैसे यूज होगा, तभी उसमें क्या है, रस है कि नीरस है? अगर ये पता होगा कैसे यूज होगा, तुम कहोगे कि मुझे नई नई बातें पता लग रही है और उसको मैं क्या करूंगा, यूज। दैट्स न्यूज पेपर रीडिंग, वही निकालने के लिए जो क्लास होती है, और वो जो आंसर राइटिंग आएगी तभी इसका क्या होगा, यूज होगा। पीटी के लिए भी क्वेश्चन टिप्स पे होने चाहिए, क्वेश्चन टिप्स पर होने चाहिए। अभी इस डिजिटल पोल्यूशन में यही हो रहा है कि हमें पता ही लग रहा है पढ़ना क्या है, सब कुछ पढ़े जा रहे हैं, सब कुछ पढ़े जा रहे हैं। जैसे अगर कुछ हुआ तो बता दिया कि जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट काउंसिल में ये हुआ, ये हुआ है, आधा घंटा देख लिया, काम का उसमें कुछ भी नहीं है, काम का तो उसमें कुछ भी नहीं है, काम का क्या है मेरे लिए, ह्यूमन राइट काउंसिल, दो लाइन काम किए मेरे। बट वीडियो पोल्यूशन में मुझे आधे घंटे तक वो लेक्चर दिखाया जा रहा है, काम का ही नहीं है। ये समझो, जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम पढ़ते रहेंगे और पढ़कर अल्टीमेटली हम जीरो पर रहेंगे। पढ़कर नॉलेज तो हो जाएगा पर क्वेश्चन टैकल नहीं होगा। और वही करना होगा, या तो वो करो या मेंटरशिप करना, वही होता है, क्योंकि खबर वही तो है। इसी चीज को जब समझोगे अंतर तभी तो निकालोगे। कंटेंट है, निकाल नहीं पा रहे। मेंस के लिए तो बहुत कंटेंट है, पीटी के लिए मिल नहीं पा रहा है। पिछली बार के अगर नोट देखोगे, द कोर के नोट्स में हूबहू 40 क्वेश्चन है, हूबहू है वो, और जो थॉट प्रोसेस है उसे तो बहुत ज्यादा है, जो थॉट प्रोसेस जो डेवलप होता है उसे तो बहुत ज्यादा है। बट जब एग्जाम में वो दो घंटे अटेंटिव भी नहीं रहोगे ना, सब कुछ पढ़ा लिखा जीरो है। तुम्हारी ये पूरी जो जर्नी है ना, वो तुम्हें दो घंटे के लिए जर्नी है, 9:30 से 11:30। तुम्हारा पूरी पढ़ाई एक तरफ और 9:30 से 11:30 एक तरफ, पलड़ा भारी 9:30 से 11:30 का है। इस जर्नी का ही माध्यम है ये। एक भी और बीच में और लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे समझ में नहीं आएगा। अभी तो तुम्हें थोड़ा बहुत पुश मिलेगा,
से तुम्हें थोड़ा बहुत पुश मिलेगा कि पढ़ना कैसे। तुम वीडियो देखते हो क्या, इस तरह एनालिसिस आता है? एडिटोरियल भी आता, पर एडिटोरियल भी क्यों पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कभी आता है? देखो लैंग्वेज का खेल अल्टीमेट, पिक करना तुम्हें आना चाहिए, समझ रहे हो ना? तो एक तो आर्टिकल पढ़ो, इस चार आर्टिकल में काम का क्या, एक ही आर्टिकल है पूरा जो हूबहू वन टू वन काम का है, वो एक ही आर्टिकल काम का है। हाँ तो पढ़ेगा तो सब, क्या वो आता है वहां पर, क्या तुम्हें पता लगता है कि यही लाइन काम की है? वहां जब होगा ना लाइन टू लाइन सब कुछ पढ़ लिया जाएगा। जैसे आज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाला है, अगर तुम्हारे में कला है कि मुझे ये एक एंगल यूज होगा, खाली हेडलाइन पढ़कर क्या करोगे, छोड़ दोगे। वही बैकग्राउंड धीरे धीरे आएगा ना, अचानक तो नहीं आएगा। इनिशियली एक बार पढ़ने में 2-2.5 घंटे लगेंगे, इसी को तुम्हें करना आधा से पौन घंटा, आधा से पौन घंटा। और पौन घंटा भी क्या होना चाहिए, इफेक्टिव। वही जिसको हिंदू पढ़ना है हिंदू पढ़ो, जिसको जागरण पढ़ना है जागरण पढ़ो, 1-1.5 घंटा लगेगा। और इनिशियल पर हो और हिंदी मीडियम के हो तो 8 घंटे लगेंगे। इनिशियल पर हैं और हिंदी मीडियम, तुम इनिशियल पर नहीं हो, उनको लगेंगे 8 घंटे। जो इनिशियल पर नहीं है और जिनको इंग्लिश पढ़ना आता है हिंदी मीडियम में, उनको टाइम कम लगेगा और वही टाइम धीरे धीरे क्या होगा, रिड्यूस। सेम अखबार आज वो पढ़ना, सेम अखबार जागरण पढ़ना, और देखना खबर में कितना डिफरेंस है। बस 10% डिफरेंस होगा वहां, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। हाँ एडिटोरियल के एनालिसिस में डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस जागरण ही थोड़ी है। बिजनेस स्टैंडर्ड का हिंदी का अखबार भी आता है, उसका एडिटोरियल पढ़ो ना। द कोर के एडिटोरियल की समरी जाती है हिंदी में, उसको देखो, डाइवर्सिफाइड आर्टिकल हैं उसमें। हिंदू से भी अच्छा अलाइनमेंट के आर्टिकल हैं, पढ़ो। पॉसिबल नहीं है, है अगर पता है कि कौन सा आर्टिकल पढ़ना है, कौन सा आर्टिकल पढ़ना है। अगर इतना पिक कर गए, इन चार में से एक ही आर्टिकल पढ़ोगे, 3 छोड़ दोगे, दूसरा कहीं और से पढ़ोगे। लैंग्वेज सुधारने के लिए एडिटोरियल पढ़ना जरूरी है। सबसे बड़ी कमजोरी है लैंग्वेज, सबसे बड़ी कमजोरी है लैंग्वेज। और यह पता ही नहीं लगता लोगों को 4 साल तक, जब पहली बार आंसर लिखते हैं तो लगता है कि पेन ही नहीं उठ रहा है ना, वो लैंग्वेज की कमी के कारण, क्योंकि हमने नोट्स पढ़े हैं, हमने मैगजीन पढ़ी है, मैगजीन में आया क्यों क्या वैसे, ऐसा तो आंसर तो नहीं लिखा जाएगा ना, ठीक है। और करो पढ़ो।